गया। Everything under control. I will call you back. Please, please give the way. I will let you know. Please, in 24 hours we will catch the gangster. I cannot tell you anything more. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। न्यूज़ चैनल से हैं क्या? जी सर, पीटीवी। ऐतराज ना हो तो हम कार में इंटरव्यू करें, ओके? सिक्योरिटी चेक देम। जनाब एसीपी इस तरफ मुखातिब हूँ। रोलिंग सर। जनाब 24 घंटे में किस दहशतगर्द को गिरफ्तार करना है? कौन है वो? ऐसी गुफ्तगु हम लोगों से कल आप लोगों को कैसे इल्म हो जाता है? खैर छोड़िए, तस्दीक होने के बाद ही हम बता पाएंगे। किट्टू भाई को क्यों निशाना बनाया है जनाब? किट्टू भाई को निशाना हमने ए, कौन है आप लोग? ड्राइवर गाड़ी रोके। किट्टू भाई को क्यों निशाना बनाया? उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करने वाले एसीपी श्रीनिवास को और अपने दुश्मन नडियादवाला ब्रदर्स को खत्म करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया है किट्टू भाई ने। खुशामदीद डैड। खैर मकदम है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम करते जाओ और फल की जिक्र ना करें। कब किसे और कितना देना है इसका फैसला हम करेंगे। हमने भगवत गीता से कैदखाने में जो सीखा था वो आपको बता दिया। हर काम को पहले हम घर में अंजाम देते हैं, फिर उसका जश्न मनाते हैं। बाहर तो हमने कामयाबी हासिल कर ली, अब हिंदुस्तान में परचम फहराना है। हम में वैसे भी वतन परस्ती है, खुद पर तो एतमाद रखें। क्या हुआ? खत्म कर दें कम वक्त को, जस्ट फिनिश। तो अजीजों, जो खौफ पैदा नहीं कर सकता वो भाई नहीं बन सकता। सो व्हाट्स आई एम ट्राइंग टू से, चाहिए आपका माल उधर, दिल्ली हमारी है, ये ना भूलें। आप हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं ना, तो दिल्ली में दखलंदाजी क्यों? हाँ भाई, कह दिया तोप से, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अब बस हाँ कीजिए डैड, इनके अकड़ अभी दिल्ली पहुँचा देते हैं। नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इसे पल भर में खत्म कर सकते हैं, मगर इसमें ना तो मौत का खौफ है और ना ही जिंदगी से मोहब्बत। लगता है नशे में हो जो ज्यादा उछल रहे हो। जहां हम अपने काम को अंजाम देते हैं वही हमारा असल मुकाम होता है। हमारे लिए बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सभी अपने मुकाम है। इस मामले में किसी को कोई शुबा हो तो बताएं, क्लियर कर देता हूं। बाकी सभी जाकर अपने काम देख सकते हैं। दफा हो जाए। ए, इसे मछलियों की खुराक बना दे। हेलो। ए किडो, घर पहुंचने तक हमारे भाई को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना अंजाम का अंदाजा तो आ ही गया होगा। अगर और भी कुछ पता करना है तो एसीपी श्रीनिवास से मालूम कर ले। किट्टू, आप अपने आदमियों समेत 24 घंटे में खुद को हमारे हवाले कर दें, वरना आपका फर्जंद गया। डैड, उन्होंने हमें 24 घंटे का वक्त दिया है, दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे दरकार है, हम सब संभाल लेंगे। वो सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहां जितने भी अफसर मौजूद हैं वो सिर्फ किट्टू पर शिकंजा कसने के लिए इकट्ठा किए गए हैं। मिस्टर मानसिंह। यस सर।
आप बिहार देख लीजिए। जी बेहतर। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन एंड टीम। आप यूपी, कृष्णकांत एंड टीम। दिल्ली हम देखते हैं, रामगोपाल की टीम हमारी मदद करेगी। ओके सर। सो ऑफिसर्स एक्सेप्ट दिल्ली, एवरीबॉडी कैन लीव नाउ, बट रिमेम्बर वन थिंग, हमें किट्टू भाई को जिंदा गिरफ्तार करना है। उसके पास कई लोगों के कच्चे चिट्ठे हैं, इसलिए खुसूसी तौर पर वो हमें जिंदा ही चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइज। खबर मिली है कि चांदनी चौक के आदमी का किट्टू के साथ गहरा रिश्ता है, पता लगाइए वाकई सच है या वो किट्टू भाई का नाम लेके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को डरा रहा है। कल वो एक सेटलमेंट करने जा रहा है, आप लोग अंडर कवर मिशन पर रहेंगे। मिस्टर गुप्ता सर, यू लीड द टीम। मैं लीड कर रहा हूँ। आप अपने गिरोह में ऋषि को भी साथ ले लें। वैसे ये ऋषि है कहाँ? वो नए अफसरान को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना? जब वो वैजाक में थे तब से उन्हें जानते हैं। एक लाइन में। उनके गट्स, उनकी स्पीड बेमिसाल है। हम लोग उन्हें ट्रेनिंग में मिसाइल पुकारते थे। What's wrong with you, Mr. Gupta? आप और आपकी सोच। क्या मतलब? और क्या कहें जनाब, वो बस नाम के लिए ऑफिसर है, बाकी तो सड़क छाप है, 24 घंटे लड़कियों के पीछे रहते हैं। आपकी नजर में वो क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो कहाँ होंगे ये हमें जरूर पता है। कहाँ होंगे? ये प्यार कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्यार का काम ही होता है हो जाना। अब जब हो गया है तो इसे बढ़ाते रहो, और कोई इसके बीच में है तो उसको मसल दो। समझ गए ना तुम लोग? लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, ये प्यार कभी फिनिश नहीं होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर कौन है? आप ही हैं जनाब। तो बॉस उनकी बातों पर इतना एतबार क्यों करते हैं? जोश और होश ये दोनों बातें तो मुख्तलिफ चीज है। मतलब वो देखिए ऋषि, कितने ड्रामेबाज हैं, लड़की मिली नहीं कि गले ही पड़ जाते हैं। कम से कम कुछ तो खा। गुप्ता चश्मा क्यों पहना है? डोमिनेट करना चाहते हो क्या? ये तरीका है सीनियर से बात करने का? सीनियर को सलाम नहीं किया, सारी तमीज भूल गए हो क्या? किस सीनियरिटी की बात कर रहे हो आप? आप लोगों को पता है ये सीनियर बने भी कैसे? देखिए माजी में ना जाएं, मुद्दे की बात करें। जी बेहतर, कहिए। खबर है कि कल चांदनी चौक में कोई सौदा होने वाला है। केशव भाई जल्दी ही किसी की हस्ती मिटाने वाले हैं। आप पानीपुरी वाला बनकर एक कोने में खड़े रहना, हम रेबन ग्लास पहनकर बतौर खरीदार आपके पास आएंगे। अरे गुप्ता, हम दोनों साथ में खड़े रहते हैं, कौन पानीपुरी वाला लगता है और किस पर रेबन ग्लासेस सूट करते हैं इन लोगों से पता करें। इस मिशन में बतौर सीनियर हम रहबर हैं, कल पानीपुरी की गाड़ी लेकर आप ही आएंगे, समझ गए ना? कैसे लग रहे हैं? कमाल का गेटअप है सर, पहचान भी नहीं। अरे जब पूरा सेटअप बदल गया है तो गेटअप का क्या? वैसे सीनियर है ना, ये सब तो करना पड़ता है। बच्ची चाहिए तो पैसे लेकर आए। किट्टू भाई का हुक्म है। देखा अभी तक वो वक्त पर नहीं पहुंचा। जिनका वक्त अच्छा होता है वो किसी भी वक्त आ सकते हैं सर। अरे वो देखिए जनाब, यहाँ पर भी लड़की लेकर आए। इसको टाइमिंग कहते हैं सर। उनकी टाइमिंग का क्या है? इस बार जब हम गन थामेंगे ना तब देखना। जनाब पुलिस महकमे में गन के साथ साथ गट्स भी जरूरी है। ये पानीपुरी के हुलिये में जच रहे हो आप, धंधे पर ध्यान देंगे ना तो रोज के 1000 रुपए कमा लोगे। आप कहे तो हम सर से बात करते हैं, आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। यहाँ कब क्या होगा कुछ पता नहीं, थोड़ी दूरी बनाए रखें। खैर बिना जज्बात के लड़ना तो मुश्किल है, होशियार रहना नामुमकिन। इतने जज्बात तो काफी है हमारे लिए। गाड़ी निकाल यहाँ से जल्दी। बच्ची को छोड़ दे। जब मैं गोली मारूंगा।
दिमाग है जनाब, कितना भी समझाएं पर समझता नहीं। ड्यूटी कब खत्म होगी यही रट लगाता रहता है। आपको तलाशी लेनी थी ना? यस सर। तो मसाज क्यों कर रहे थे? बेवकूफ। जो ब्यूटी पर तवज्जो देते हैं वो ड्यूटी पर तवज्जो नहीं दे सकते। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कातिल हसीना, लुकिंग ग्रेट। शुक्रिया। हाय 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 हाय, इतनी खूबसूरत क्यों हो यार? क्या तुम हमारे लिए बनी हो? इसे भी नहीं बख्शा? ज्वाइन किए एक दिन भी नहीं हुआ और आपने। ऋषि सर, चीफ इज कॉलिंग यू। डॉल, कॉल मी ऋषि। ये सर्वर क्या लगा रखा है? मेहनत हम करते हैं, तरक्की उन्हें दी जाती है। मेहनत से तरक्की नहीं मिलती, मंसूबों से मिलती है। हाँ पता है। अरे पता होता तो इतना नहीं कहते। ऋषि, आजकल मुजरिमों में कम और नाजनिनों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, सच है ना? क्यों भाई, सब उगल दिया? बड़ा कमजोर हाजमा है आपका, कुछ भी हजम नहीं कर सकते। आज तो आपका हाजमा ही। ऋषि, ये क्या बदतमीजी है, सीनियर्स के साथ ऐसे पेश आते हैं? ये तो कुछ नहीं है जनाब, ये आपका ही गेम बजाने की बात कर रहे थे, अब बताइए। गुप्ता, रहने दे गुप्ता। जनाब, आप जरा बाहर जाएं। जनाब, हम इससे सीनियर हैं, आप इन्हें भेजने के बजाय हमें। आप सीनियर हैं तो पहले आप बाहर जाएंगे, बाद में ये जाएंगे। जी बेहतर जनाब। आप यतीम थे, आपकी परवरिश करके हमने आपको पुलिस अफसर बनाया, हमारा ही गेम बजाएंगे? गेम ना बजाए तो क्या करें? शादीशुदा और नामचीन अफसरों को खवातीनों के आधार के बाहर रखते हैं और हमारे जैसे जाबाज और दिलेर अफसरों को चेजिंग, एनकाउंटर्स और फाइट्स। हाँ, मालिक रहम करे, गोली लग गई तो? अगर हम शहीद हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा जनाब? हु इज द रिस्पांसिबल? अभी हमारी उम्र ही क्या कहना चाहते हैं? आपको अब जाकर उम्र याद आई? उम्र याद आई आपकी मेहरबानी से तो ऑलरेडी। वैसे आपने किया क्या हमारे लिए? मतलब हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। किया? हमारी उम्र में सारे नौजवान बाइक पर बैठकर जो 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 करके गाते थे और आपने हमें क्या थमाया? ए, क्या कर रहे हैं आप? सही से कीजिए वरना खैर नहीं। हमारी उम्र के नौजवान, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में देख रहे थे तो आपने हमें कौन सी फिल्म दिखाई? इन्हें तकलीफ ज्यादा ना समझें, सुनहरी यादें हैं। हाँ क्यों नहीं, ये ऑटोग्राफ हमारा है, बाकी सुनहरी यादें आपकी हैं। हमारी तो पूरी जिंदगी आर्म्स जुटाने में ही गुजर गई ना। आप जैसे निकम्मों की हमें जरूरत नहीं है। यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड किस लिए? जस्ट गेट आउट। हैट्स ऑफ सर, आप देर से आए लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आए। जी कहिए जनाब। सब खैरियत कुमार? जी बिल्कुल जनाब। आपकी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए, आज हम जो कुछ भी हैं आप ही की मेहरबानी से, आप सिर्फ हुक्म कीजिए जनाब। हमारा ऋषि? एक बात और कुमार, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे। जी जनाब, यकीन रखिए। ये क्या, फिर से देर हो गई? ऊंची शख्सियत कभी वक्त पर नहीं आती है, आ गए वही गनीमत है। आखिर मसला क्या है, खाकी की जगह रंगीन जिंदगी चाहते हैं, है ना? ओ, हमें कोई रंगीन जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी में बस थोड़ी सी रंगत चाहिए। जारी पेशे में दिलचस्पी ना हो तो वही करें जिसमें दिलचस्पी है। एक काम कीजिए। कहिए क्या करना है? कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे। कॉलेज में? सुपर, वुमेन्स कॉलेज है क्या? नहीं, कोई एजुकेशन। गनीमत है, चेकआउट ओपन है, आधी हकीकत आधा फसाना। खुश होने की जरूरत नहीं है, आप अभी तक सस्पेंड नहीं है तो फिर कॉलेज में आप ऑन ड्यूटी रहेंगे। ऑन ड्यूटी भेज रहे हैं, कर दी ना सेटिंग। क्यों जाना है वहाँ पे? वहाँ पहले एक अच्छा लेक्चरर बन के दिखाइए, उन सबका एतबार हासिल कीजिए, सब आपको अपना माने, प्यार करें, उसके बाद हमारे मिशन का आगाज होगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये बाद में आपको बताएंगे। जितना वक्त लेना है ले लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फर्ज तो हमेशा ही निभाना है। लेकिन इस दरमियान हम और हमारा कॉलेज, जज्बात होंगे, एहसास, मोहब्बत, अभी तो हमारा वक्त है, हमारी उम्र है। हमें सस्पेंड नहीं करके आपने अपनी जान बख्श वाली जनाब। जान बख्श डाली मतलब? अगर आप हमें सस्पेंड कर देते तो हम आपका गेम बजा देते ना। हैदराबाद में हमारा एक दोस्त कुमार है। नीलिमा 22 एफ। रुक जा, अबे देख क्या रहा है, हाथ दे। अरे पकड़, हाथ दे जल्दी, क्या कर रहा है? अरे चल। अरे अरे लगता है ट्रेन छूट जाएगी। ओह माय गॉड, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया, हमें लगा ट्रेन छूट ही जाएगी। लेकिन हम छूटने नहीं देते। मतलब मतलब आपकी ट्रेन नहीं छूटने देते। थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर, प्लीज। लगता है शादीशुदा नहीं है। ऊपर है तब तो बातें कर सकते हैं। सुनिए, बचपन में हम दौड़ में अव्वल आए थे, इसलिए ट्रेन छूटी नहीं। हाथ मांगा तो दिया क्यों नहीं? हाथ नहीं दिया? ये क्या बोल रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं, हाथ क्यों नहीं दिया? लड़की को हाथ दे दिया। अरे वो लड़की है ना, इसलिए दिया। बस करो केशव, किसी तरह आ तो गए ना, अब बैठ जाओ, इत्मीनान से चलो, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बंद कीजिए अपना, आपकी तलाश में भटक रहे थे, लेट हो गया था, इसे कचहरी समझा है या कैब रे? अगली मरतबा आपका टिकट। हाँ इट्स ओके, हम अभी ट्रेन में हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, इसकी नजर सही नहीं है, आंखों से ही काम तमाम कर देगा। क्या देख रहे हो? भूल ही गई, पता है क्या हुआ, हमें स्टेशन पहुंचने में देरी हो गई थी। उस वक्त पता है, एक मिनट, आपका नाम ऋषि? हाँ ऋषि, ऋषि नाम के एक लड़के ने मुझे हाथ दिया और मुझे अंदर खींच लिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बात करेंगे इनसे, बात करो ना। हाँ मही, इनसे बात कीजिए ना। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मही मतलब महेश्वरी है क्या, आपकी सहेली है? नहीं महेश मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो, नीलिमा की मदद करने के लिए शुक्रिया। जी जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे कहाँ ना, कोई बात नहीं, आप क्या लिख कर दें? आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? अरे सफर में कई लोगों के दरमियान फंसे हुए हैं, चलिए फोन रखिए अभी। आपका बॉयफ्रेंड है, पहले नहीं बता सकती थी क्या? सामने वाले को पता तो होना चाहिए ना। चलो बच्चों, अब हम साथ में गाना गाएंगे। सा नि ध प म ग रे सा, सा नि ध प। बैठो, अबे गाना गा रहा है, सिचुएशनल सॉन्ग है, क्लासिकल, इट्स कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक, वी आर ऑल क्लासिकल सिंगर्स यू नो। सा नि ध प म ग रे। हैदराबाद पहुंचने तक मुंह भी खोला ना तो ऐसा तंबूरा बजाएंगे कि सारे के सारे सुर ताल भूल जाओगे और गाना गाना सिर्फ बाथरूम में ही करते हुए नजर आओगे। क्या हुआ, ये खिकी दांत किसको दिखा रही हो? जाओ ऊपर जाके बैठो। अरे बाबू सुनिए मेरी बात, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे घुटने में तकलीफ है, ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। बार बार ऊपर नीचे करेंगे ना सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, जाओ ऊपर जाओ। मकान तो वाकई आलीशान है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? अरे ये अब क्या बोल रहे हैं, बैंक से कर्ज लेकर मकान तामीर किया है। अखराजात बढ़ाओगे तो तकलीफ तो बढ़ेगी, बैंक का कानून है। भाईजान बड़ी रफ्तार से चल रहे हैं, रफ्तार की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है आप फ्रेश हो जाइए, हम लंच तैयार करते हैं। ऋषि ये आपकी रिहाइश गाह है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, यतीम खाने में पले बड़े हैं, ये सब तो हमारे लिए बोनस है। ऋषि वैसे कौन से मजमून में आपकी पकड़ है, किसमें अच्छी पकड़ है? क्या कह रहे हैं, हर मजमून में अच्छी पकड़ है, हमारी मार्कशीट के मुताबिक पता नहीं कड़ी मेहनत के बाद फेल होते होते बच गए। आप ही किसी में सेट कर दीजिए ना। आप कहे तो अंग्रेजी बोलकर दिखाए, पोएम्स, पोएट्री, रोमांस। अरे रहने दें, आपकी जुबान से पोएट्री पोएम सब एक सी लगती है, इसलिए रहने दें। तारीख के लेक्चर का औदा खाली, आपको तारीख का कुछ इल्म है क्या? मौर्य साम्राज्य, गुप्ता काल, मुगल सल्तनत की रियासत, सारा इल्म है हमको, ये सारे मगरिब में मिलेंगे। अरे ऊपर वाले, ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इन्हें झेलना नामुमकिन है। ऊपर वाले से याद आया हमको, यहाँ कोई रंगीन मंदिर है क्या? रंगीन मंदिर मतलब जहाँ रंगीन मंदिर होता है वहाँ लड़कियाँ भी ज्यादा नजर आती है। इस मंदिर के अंदर तो चिराग से ज्यादा चिंगारियाँ है। गॉड यू आर फैंटास्टिक एंड आई एम रोमांटिक। अरे कब तक ऐसे रहोगी, चल हाथ दे। इनके गिरने से हमें खुशी क्यों मिल रही है, एक मर्तबा और गिरे ना। अगर हम शादी करेंगे तो ऐसी ही लड़की से करेंगे। तुम्हारी पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? जी वो अच्छे हैं। विनीता जरा ये चिराग ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो भगवान वहाँ है। अच्छा लेकिन देवी तो वहाँ है, साइड दे। सुनिए जी अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए ना। अरे रुक जाइए, आपकी तारीफ।
राधा, सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी। देखिए, आप जानबूझकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब समझ गए। समझ गई ना, हम किस लिए जानबूझकर बात करना चाहते हैं? सच बता देते हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पर देखा था, लव एट फर्स्ट साइट ना, इन सब चीजों में हमें यकीन नहीं है। तो ना करें, आपसे कह कौन रहा है। खैर ये सब छोड़िए, हमारा नंबर तो रख लीजिए। अनजान लड़की को अपना नंबर दे रहे हैं? हमारी बात पर गौर फरमाएं, लड़की से नंबर लेना गलत है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर हम कॉल करेंगे और अगर आप नहीं उठाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन हमारा नंबर आपके पास होगा ना। लेकिन हम कॉल नहीं करेंगे। अरे आज नहीं करेंगी ना, कल करेंगी, परसों करेंगी। ये अच्छी जबरदस्ती है, खुले ख्याल रखिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। 888-555। नहीं सुना, हमने कुछ नहीं कहा। 666-666। लव एट फर्स्ट साइट पर आपको यकीन नहीं हो तो हमें दोबारा नजर नहीं आना, अगर दूसरी मर्तबा नजर आई तो हम आपसे शादी कर लेंगे। कैसा पहनावा है? साफ करने के लिए। क्या करने के लिए? लुक के लिए। अली, अरे अली। ओह शेक्सपियर, यू आर शेकिंग मैन। ए अली, कहां दफा हो गए तुम? शिट 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 शिट, प्रिंसिपल इज कॉलिंग, वी विल मीट लेटर। मिस्टर प्रिंसिपल, यू डोंट टेक रेस्पेक्ट, आई डोंट माइंड, बट गिव रेस्पेक्ट। अली, अरे अली, व्हाट इज दिस? अरे इज दैट माय सरनेम? न्यू जॉइनिंग है तारिक का लेक्चरर, इन्हें टाइम टेबल दे दें। हेलो हेलो, डिड यू चेक योर ड्रॉअर? नॉट योर ड्रॉअर, आई मीन टेबल ड्रॉअर। सी इट्स देयर, यू डोंट लुक एट योर सराउंडिंग, यू डोंट लुक योर टेबल, यू शॉट एट मी लाइक अ बेरर। ये जनाब तो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, ये है कौन? इनका नाम अली है, कॉलेज के अटेंडर। आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, एल पचिनो। Al Pacino. Nice to meet you, Al Pacino. You want to go classroom or staff room? Staff room. Yeah. Follow me. Please. He's very nasty man. कल रात को कॉल करने के लिए कहा था, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? छी। What about you, madam? आप ही कॉल कर लेती। Excuse me, ladies and gentlemen. ये हैं जनाब ऋषि, हमारे तारीख के नए लेक्चरर। नए कह रहे? फ्रेश है क्या? फ्रेश मतलब बिल्कुल फ्रेश है, अभी रिबन भी नहीं कटी है, इतने फ्रेश है। आर यू श्योर? आपकी कसम। अब क्या जान लेंगे? आई एम रमैया मैडम, बॉटनी। आपको बॉटनी सुनने में आ रहा हूं, पर असल में कहना चाह रही हूं बॉटनी। हेलो मैडम, यू आर ब्यूटीफुल। शुक्रिया। बेहतर हम क्लास में चलते हैं। व्हाट ब्रो, व्हाट क्लासरूम यू आर टॉकिंग अबाउट? ये है सुब्रमण्यम जी, साइंस के लेक्चरर। ओहो जी, खुशी हुई आपसे मिलकर। रहने दे ब्रो, इट डोंट हैपन लाइक यू थिंक ब्रो। किसी एक जुबान में गुफ्तगू कीजिए ना सुब्रमण्यम जी, कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज। ये मादरी जुबान तो कोई पढ़ता नहीं है, आपकी तारीख कौन सुनेगा? लिटरेचर में उन्हें दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन तारीख में जरूर उनका दिल लगेगा। हमारे तुलबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जनाब उधर नहीं, इधर बेहतर। कितनी दिलचस्प है आपकी तारीख। भाई आपका नाम अली है या अल बर्टिनो? हमारा असली नाम तो अली है, हमारे बाबा बाईपास के पास पंचर लगाया करते थे। अच्छा। और चाहते थे कि हम भी वही काम करें, पर हम पंचर का काम छोड़कर बन गए अल पचिनो, समझ गए? आप अंग्रेजी इतनी साफ कैसे बोल लेते हैं? डिग्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश फर्स्ट क्लास, डिग्री सेकंड ईयर कॉलेज फर्स्ट, डिग्री फाइनल ईयर। कैंपस में अव्वल आए होंगे। ए यू नॉटी बॉय, आई लाइक यू। फिर यहाँ घंटी क्यों बजा रहे हो? सिर्फ अंग्रेजी में ही अव्वल हूँ, बाकी समय जीरो। डोंट फील बैड, इट हैपेंस, कम जी। शिट शिट शिट, क्या हुआ? नेस्टी फेलो इज कमिंग। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आखिर वो है कौन? प्रताप नागेश्वर, ड्रिल मास्टर। इनका फर्ज क्या है? तुलबा को खिलाना। सबके साथ खेलते हैं। इनके मुतालिक एक लफ्ज में कहा जाए तो मेडिटेशन करने वाले को भी इरिटेशन दे देते हैं। आपके लिए इतना तारुफ काफी है ना, किस लिए आए हैं? इकोनॉमिक्स लेक्चरर की बेटी से हमारे भाई के बेटे की शादी की बात करने आए हैं। जितनी जल्दी हो रिश्ता तय कर ले, लड़की बहुत दूर जा रही है। अमेरिका जा रही है क्या? अमेरिका नहीं, अमलापुरम के लड़के के साथ भाग गई। उस लड़की पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अब हम आपसे क्या कहें? वैसे आपके भाई के बेटे क्या मुलाजमत करते हैं? वो भी आपकी तरह ड्रिल मास्टर है। देखिए, कोई भी ड्रिल मास्टर नई गेंद के साथ अपने मुस्तकबिल में कदम रखना चाहेगा, वो भी किक मारी हुई गेंद के साथ। शुक्रिया। जल्दी फैसला ले लिया। हाँ, इस बात पर शक है साले साहब, तारिक लेक्चरर का ओहदा यकीनन है। बहुत तेज है, कौन है ये जनाब? ये हमारे कॉलेज के तारीख के नए लेक्चरर हैं।
तारिक के लेक्चरर, ये आप क्या कह रहे हैं? अब आप हमें बताएंगे? आप प्रिंसिपल साहब के साथ चाहे जो बात करें, चलिए अभी सेट करते हैं। जनाब, आप खुद इनसे बात करें, हमें माफ कर दें। देखा ना, हमारी ताकत का अंदाजा हो गया ना, लोग हमारी आवाज से कांप जाते हैं। नागेश्वर राव जी, हमें भी पंच मारने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर कोई हमें पंच मारने की कोशिश करे तो फोड़ देते हैं। आपकी तो सिर्फ जुबान टेढ़ी है, लेकिन हमारी तो हर नस में टेढ़ापन है, समझे? हमसे पंच पंच मत खेलना, वरना हुलिया बदल देंगे। ये कमर और लचक कहीं देखी हुई लगती है। विनीता, ओ विनीता, ये यहां भी टपक गए। अगर शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे विन्नी। अरे ये रोज के हमारे इंतजाम को देखकर भाई खुश हो जाएंगे। जबरदस्त तैयारी है भाईजान। यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? क्या मसला क्या है? ए, आज भाई का हैप्पी बर्थडे है। भाई आएंगे, केक काटेंगे, उसके बाद ही ये ट्रैफिक खुलेगा। भाई कोई शाना आ रहा है? घर छोड़कर रोड पर क्यों जश्न मना रहे हो? गलत है ना? चलिए रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो भाई का केक कटने से पहले तेरा गला कट जाएगा। इस सब पर आप लोग तवज्जो ना दें। अभी तो इन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर बाद पैर पकड़ेंगे। क्यों बे, समझ नहीं आ रहा? अरे अरे अरे, हाथ टूट जाएगा यार। अरे हाथ छोड़िए छोड़िए, टूट जाएगा। जाने की जल्दी है क्या? कुछ नहीं सर, हम बाद में चले जाएंगे। चल। यो, भागने का इरादा है क्या? कॉलेज जा रहे थे इसलिए खरीदा था। पकड़े, इसे पहनना नहीं, अभी आते हैं। घर पर जश्न मनाना, सड़क पर नहीं, भाई से कह देना। हाय गाइस, हम आप लोगों के लेक्चरर नहीं है, ऐसा आप लोग सोचिए। आप लोग हमारे तुलबा है ही नहीं, ऐसा हम सोचेंगे। हम सभी फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहेंगे। सही कह रहे हैं ना? अगर ऐसी बात है तो क्या हाल है वे कह सकते हैं? दोस्ती के एतबार से इतना हक तो बनता ही है ना? बिल्कुल बनता है। कहो ना सर। कह तो रहे, कहो ना। कहते क्यों नहीं, कहो। सॉरी सर। सर की जरूरत नहीं है, सॉरी काफी है, बैठ जाएं। क्यों बे, कहो क्यों नहीं? कुछ लोगों का खौफ आंखों में नजर आता है, उनके सामने खामोश रहने में ही भलाई है। बस कर फट्टू, असल मुद्दे पर आते हैं। रोज क्लास रूम में बैठ कर ऊब जाएंगे, इसलिए क्लास यहाँ सेट की है। नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, सबके दिल में एक अलग ही एहसास होगा, राइट? अगर यहाँ ऊब जाए तो कैंटीन है, कैंटीन में ऊब गए तो कैंपस से ऊब गए तो हम टीसी देकर अलविदा कर देंगे। अलविदा कर देंगे, कर देंगे ब्रो, कर देंगे। अगर आपको छूट दे दी तो हमें ही कॉलेज से रवाना कर देंगे। हमने कौन सी की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ जी का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में किसी को इल्म है? एन ओपन एयर स्कूल, सबको पढ़ा रहे थे। या, आई रेड टैगोर इज मैच्योर, राइट? एग्जैक्टली, कम अज कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना। अब्बा,
क्या खूब कहा है, कितनी पकड़ है मजमून पर। अरे यार, गीतांजलि एक्सप्रेस के मुतालिक सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के मुतालिक सुना है, ये टैगोर गीतांजलि के मुतालिक नहीं सुना, नया लगता है। इसकी टोपी उसके सर करके ये पूरे कॉलेज को टोपी पहना रहा है ऐसा दिलो दिमाग में भी ना लाए, दावे की बुनियाद के साथ खड़े हैं हम। इन्होंने कैसे सुन लिया? तुम इतनी बुलंद आवाज में बोलोगे तो सुनेंगे नहीं। ऋषि, आपने शंकर अन्ना से झगड़ा मोल लिया? झगड़ा तो मोल लिया है, लेकिन किससे लिया पता नहीं, कौन है कौन ये? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन है, आपको याद किया है। देखिए, अगर आपको इस कॉलेज में रहकर अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना से सही से पेश आना। मिशन की आड़ में आप हमारा हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिशन क्या है पता चलने के बाद हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ऋषि, रुक जा, मैं बात करता हूँ, चलो बैठो। अच्छा सुनिए, आपके पास लाइसेंस है? कैसा लाइसेंस? हम बिना लाइसेंस वालों की गाड़ी में नहीं बैठते हैं। आपके हाथों कोई मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो आप लोग आगे चले, हम पीछे से आते हैं। अगर ये भाग गया तो? हाँ, तुम आगे चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। अरे बेवकूफ के सरदार, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? हमें पता है क्या कहाँ पर जाना है? अरे तो हम क्या करें? ये सर है? अन्ना, शंकर अन्ना, तुम जिस कॉलेज के लेक्चरर हो, हम उस कॉलेज के चेयरमैन हैं। और वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर हमारा है, और यहीं रहकर तुम हमारे आदमी को पीटोगे? छोटे बड़े की तमीज नहीं है क्या? नहीं है। हमें इल्म नहीं था सर। कॉलेज का चेयरमैन जाने में अगर तुमने कॉलेज ज्वाइन कैसे कर लिया? हमें ये नहीं पता था जनाब, शंकर अन्ना कॉलेज के चेयरमैन ही, ये पता था, लेकिन वो शंकर अन्ना आप ही है ये नहीं पता था। बताया था। क्यों बे, बताया नहीं क्या? अरे अन्ना आप ही है, मैंने बताया था। फिर जनाब, अन्ना मतलब कॉमन नाउन, शंकर अन्ना नाम के साथ मतलब प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरते हैं, कितने लोगों के नाम याद रखेंगे? आप लोग गलती तो करते ही हैं, कम से कम ग्रामर में तो गलती ना करें। चाहे तो हमारे पास आ जाएं, हम सिखा देते हैं। अनपढ़ हैं सब बेवकूफ कहीं के। अब हम चलते हैं। चलिए सर, हमारी क्लास का वक्त हो रहा है, चलते हैं सर। शुक्रिया। अन्ना अन्ना कहकर शंकर सर का नाम खराब कर दिया बेवकूफ। इन्हें कैसे बख्श दिया? अरे चुप, जब देखो तब अन्ना 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 कौवे की तरह काय काय करते रहते हो। देखा नहीं तुम लोगों ने कितने खुलूस से उसने हमें सर कह के पुकारा? हमें इल्म नहीं था सर, सच में पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। इजाजत चाहते सर। हमारी माँ, उन्हें बड़ी हसरत थी कि कोई हमें सर कह के पुकारे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ आपने सुना ना कितने खुलूस से उन्होंने हमें सर कहा, आपकी हसरत पूरी हो गई। घर के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। जी हाँ, जल्दी से भाभी घर ले आए, रोज घर का खाना मिलेगा। एक राज की बात बताएं, आजकल हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं। हमें पता है, कहने की जरूरत नहीं, काम पूरा भी तो होना चाहिए। लड़की बहुत शर्मीली है, इसलिए मसला हल होने में जरा वक्त लगेगा, लेकिन एक दो रोज में हल हो जाएगा। अच्छा, तो आपने लड़की देख रखी है? रोज ही देखते हैं, हमारे कॉलेज की है, नाम है विनीता। वो लड़की और रिश्तेदार है? अरे वो तो बहुत खानदानी लड़की है और बहुत प्यारी भी है। वो विश्वनाथ शास्त्री जी की दुख्तर है। इतना ही नहीं, वो तो हमारी होने वाली बीवी भी है। मौसिकी और तालीम के अलावा उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है, मगर हमारे लिए तो वही हमारी दुनिया है। वो आपकी तालिबे इल्म है, शर्म करें। हेलो, हम जिससे मोहब्बत करते थे इत्तेफाक से वही हमारी तालिबे इल्म निकली, हम इल्म से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी हम कहाँ लेक्चरर हैं, वो तो बॉस के कहने पर हम यहाँ पर आ गए। तो गलत क्या है, इन्होंने भी तो हमें कॉलेज में ही पसंद किया था। हम आपके साथ है। शोर ना करे, उस्ताद जी के आने का वक्त हो गया। दीर्घायु भव। ऐसे क्या देख रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाए। ओम केशव नमः। केशव, अगर आपको प्यास लगे तो पानी पिए, इसे ना पिए। तो बच्चों, ऊपर वाले के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। जी बेहतर उस्ताद। तो सुनो केशव, आदित रागम भैरवी रागम। हमारे लिए तो हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। बहुत खूब। क्या आपने हमारा नगमा सुन लिया? बेटे आप कौन हो,
बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफी चाहेंगे, हम बाला सुब्रमण्यम की तरह कैसे गा सकते हैं? बाला सुब्रमण्यम हमारी तरह गाते हैं। हमारा नाम ऋषिकेश है। कॉलेज में तारीख की तालीम देते हैं। तारीख और ये मामा जी, इनसे तो हम ट्रेन में ही मिल चुके हैं। क्या कुछ नहीं कहा था इन्होंने बताया? गणपत जी कुछ कहिए ना, ये वही है ना? शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने शायद किसी और को देखा होगा। तारीख हमारा दिन है तो नगमा हमारी दुनिया है। हमारे दादाजी श्री श्री संत मतलब नटवर शास्त्री जी बहुत बड़े नगमा निगार थे। एक मरतबा उन्होंने करीब बुलाकर कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी नगमा निगार श्री श्री विश्वनाथ जी को अपना नगमा सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। बस इतना कहना था और उनकी रूह परवाज हो गई और उस ऊंची शख्सियत से मिलने ही हम यहाँ पर आए हैं। शायद वो यहीं कहीं आस पास। विश्वनाथ शास्त्री हमारे मामू जान है। ये है मामू जान आपके दीदार नसीब हो गए। ये क्या है, क्या है ये? क्या कह रहे हैं केशव, आपके मामू जान है तो हमारे भी मामू जान हुए ना। कम से कम एक दिन तो आप हमें। एक दिन क्यों बेटा, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाओ। दादाजी, विश्वनाथ जी ने अपनी शागिर्दगी में कबूल कर लिया है। चलिए ना हम चलते हैं। वही नगमा शुरू करते हैं। चलो बेटा। अरे ओ केशव, हम बाला सुब्रमण्यम की तरह कैसे गा सकते हैं? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। हमारे मामू जान को कॉमन सेंस और आपको मौसी की सेंस नहीं हमें पता है। एक कैसेट मिल गया। आपने इसी कैसेट से बेवकूफ बनाया है ना? नहीं केशव नहीं। यस ऋषिकेश। नहीं केशव नहीं। ऋषिकेश यस। रुक जाओ केशव। मामू जान हम आ रहे हैं। आप कभी हम पर यकीन नहीं करते ना, ये नगमा गाते हैं सुनिए। बैल जैसे धूल उड़ाते तुम उठाते तुम बिना जो बाजी दम के तार। अरे 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 बैठो 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 बैठो। कैसेट गलत लग गया मामू। कोई नहीं, दूसरी तरफ से बजा रहे हैं। यार इसमें इतनी झंझट क्यों होती है? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे हम कह रहे हैं ना रुक जाओ रुक जाओ। सॉरी ले जाए अपना दुपट्टा। भाई ये गजब की बला कौन है यार? हेलो हेलो हेलो, रुके 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 रुके। नाजनीनो, सीनियर्स को गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगी? गुड मॉर्निंग। अदब कहाँ है सर, नहीं कहोगी? ए हाथ हटाए। आपकी बारी बाद में आएगी, वहीं खड़ी रहे। कहाँ है, कहाँ है सर? कहाँ है सर? ओए सर यहाँ है। नहीं है, तारीख सिखाते हैं। क्यों भाई, रैगिंग है? हाँ, अब तक तो तुलबों से लेकिन अब उस्तादों से। गुड मॉर्निंग कहे, कहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहे, कहे गुड मॉर्निंग। आइंदा कभी रैगिंग का ख्याल भी ना आए। अगर आया तो आप यहाँ पर नहीं रहोगे। अगर किसी ने भी इसका साथ दिया तो सेक्शन बी 101, 102 और 108 के तहत हवालात में भेज देंगे, समझे? कान खोल कर सुन लो ये बात। चलो अपने क्लास में। क्या मेला लगा क्या? चलो अपने क्लास में। सर जी, आपको इतनी सारी दफाओं के मुतालिक इल्म कैसे है? लॉ। ओ लॉ। अरे 3 साल हमने लॉ की पढ़ाई की। अब क्लास में जाएं। हमारे भाइयों और प्यारी लड़कियों, ये कम नहीं है, तारीख गवाह है हिंदी फिल्मों की। अरे नहीं नहीं सर, गवाह तो खुदा गवाह है ना। अरे बेवक, अगर तारीख समझना है तो पहले हिंदी फिल्मों की तारीख समझना बहुत जरूरी है पागल, क्योंकि हमारी जो तारीख है वो फिल्मी है। बिल्कुल सही। तारीख का फिल्म से कोई जोड़ नहीं है सर, आप कमाल है सच में। बैठिए बैठ जाइए। चक्कर लगा कर कान के नीचे लगाएंगे तो यही चकरा जाओगे। बैठ जाओ यार। तो हमने तारीख पर बहुत सी खोज की है, तारीख ही फिल्में देख लीजिए और अपने आप तारीख जान जाए। आप समझ रही है ना विनीता जी? विनीता जी नहीं, विनीता पी, पंडित राजराव विनीता पूरा नाम। अच्छा, तो अब हम तारीख के अंदर झांकेंगे। पहली फिल्म है मैंने प्यार किया। अब कोई दूसरी फिल्म बताएं? अमर अकबर एंथोनी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपसे किसने कहा, आप चुप नहीं रह सकते? इसका मतलब प्यार किया तो डरना क्या? क्या बात है ऋषि सर, तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे वो बहुत स्मार्ट है, अगर तुम्हें पसंद भी आ जाए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। पता नहीं, हमने उन पर कभी इतनी तवज्जो दी ही नहीं। सही जगह पे मिली है भाई, अब आप ही बताएं क्या करें। अरे जो चाहो कर लो यार, प्रोसीड, हम आपके साथ हैं भाई, अब आप जो चाहे करें। अच्छा भला ऋषि सर नंबर दे रहे थे, हमने सेव नहीं किया, ऐसे वक्त पर काम आता। 888-555-666
याद है तो लिखने की क्या जरूरत? यार कमाल करती हो। किसको फोन लगा रही हो? कौन है वो? बहुत बड़ा तोफ है, सुरमा है, 30 मार्का है, कोई नवाब है? हाँ कौन है वो? ये सारी खूबियाँ उस एक में है, आएंगे तो देख लेना। अब कहाँ जाएगी? एहसास, जोश और जुनून के बिना हम भिड़ते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने कॉल किया है तो इन्हें ना उम्मीद तो नहीं होने दे सकते। कम से कम सिक्योरिटी नहीं दी है ऐसा आप लोग सोचेंगे, और बतौर सिक्योरिटी हम लोग फाइट कर लेंगे, और वो भी हम लोग बड़े मजे से लड़ेंगे। इसको मारोगे तुम? शंकर अन्ना के खास आदमी है हम लोग, मारोगे? मारो 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 इसको। बहुत खतरा मोल लिया, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। आप हमारे घर दावत पर आइए ना, दाल बनाऊंगी, चावल, रोटी, सब्जी। I love you, Vinay. तुम्हारे लिए ये खतरा कोई मायने नहीं रखता। पहले किसी लड़की को देखकर दिल में बदगुमानियां पैदा होती थी, लेकिन पहली मर्तबा तुम्हें देखा तो खल फशाता साफ हो गए, और देख लिया तुम्हें। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसके लिए कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से जवाब देना, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता देना। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर, अरे, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से अपना समय लो। लेकिन कल सुबह तक जरूर बता देना प्लीज। अगर खुलकर बताना नहीं चाहती तो हरा लिबास पहनकर आ जाना, उसे मोहब्बत की हरी झंडी समझ लेंगे। हम अपनी मोहब्बत को फेल होते नहीं देख सकते। आराम से अपना समय लेना, हम इंतजार करेंगे, लेकिन बता देना प्लीज। तुम क्या कह रहे हो? सच कहो, तुमने बताया था ना? बताया था भाई। क्या बताया था? वो धोबी घाट के कपड़ों की तरह हम सबको बहुत धो रहा था भाई। अरे अहमक, हमारे अन्ना भी धोने में किसी धोबी से कम नहीं है, बताया क्यों नहीं उसे? अरे कैसे बताते, उसने कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, एक मरतबा शुरू हो गया तो धोता ही चला गया, कैसे बताते। एक बात तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, आप लोग कारोबार छोड़ के फिल्मों पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग फिल्म के आदि हो चुके हैं, जाएं
उस शेर को बुलाए। हाँ जी, उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, हम खुद आ गए। अच्छा तो आप भी हैं, आ जाइए। आप हुक्म दें, हम इसके टुकड़े कर देंगे। अरे चुप रहो। क्यों बेटा, पिछली मर्तबा कहा था हम कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन इस बार इन लोगों ने हमारा नाम बताया था ना, फिर किसने इन लोगों का हुलिया बिगाड़ दिया? लेकिन हमें यकीन भी तो होना चाहिए। क्या मतलब? हमें यकीन नहीं हुआ ना। किस पर यकीन नहीं हुआ? हाँ, इन्होंने कहा था इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज की लड़कियों को शर्मसार करने वाले आपके लोगों के हमें यकीन ही नहीं हुआ ना। इतना ही नहीं सर, परसों हम इंडिया गेट से लालबाग जाने के लिए ऑटो ले रहे थे तो कितने पैसे बोले उन्होंने? 300 रुपए बोल दिए। इतने कैसे होंगे? तो बोला शंकर अन्ना के आदमी है। अब ऑटो वाला, दूध वाला, अखबार वाला सभी आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे। आपके नाक के नीचे काम करने वाला हर बंदा आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई काम का नहीं। हमारी माने इन सभी को हटाकर नए मुलाजिम रख ले। उन सभी को आपकी तस्वीर वाला आईडी कार्ड देकर कॉर्पोरेट लेवल पर कारोबार करें। ये तो सभी निकम्मे हैं सर, सिर्फ तोन बढ़ा लिए बस। अच्छा तो अब हम चलें। चलते हैं। क्यों, क्लास का वक्त हो गया? बस ये एक ही यहाँ जहीन है, इसे ना निकाले। ओके, क्यूट बॉय। अरे बाप रे, हरी झंडी, क्या बात है ऋषि। हरा जोड़ा पहनने के लिए शुक्रिया। तुम हमारे लिए जमीन पर आई हो, इसका हमें यकीन हो गया है। अब्बा, ये तो रजामंद है। जब हमने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो हम खुद को ही भूल गए थे। What a feeling। अरे दिनों से अपने जज्बातों को दिल में दबा रखा लुटेरा। अरे बाप रे, ये ख्वाब है या हकीकत? ख्वाब ही है, जो कभी हकीकत नहीं होने वाला। आप अपने जज्बातों को काबू में रखिए प्लीज। ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ए, चिरकुट यहाँ पर क्यों आ गया? रमैया मैडम को अपने जज्बात जाहिर करने की कोई जरूरत? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने जज्बात अपने पास ही रखें। तो आपके शौहर के साथ रात में क्लब में जाएंगे ना, तो आपके जज्बात उनके साथ शेयर करेंगे। अरे अरे रुक जाए नागेश्वर जी। मोहतरमा, ये सारी बातें मुंह खोलने से पहले कहना था ना, आपके शौहर का फोन कभी भी आ सकता है। हो गई तसल्ली? हो गई ना, जब देखो ओवर रिएक्शन देती रहती हो। अब्बा लो आप करो, अब्बा। आप क्यों नहीं, अभी बोलो ना अब्बा। सबके साथ खुलकर बोलना गलत है क्या? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी के साथ भी नयन मटका करें। ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। सुनिए ऋषि जी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हरा लिबास नहीं पहना मतलब साफ है कि हमें पसंद नहीं करती हो। सब जाया हो गया, अलविदा। जरा सुनेंगे ऋषि जी, हमारे पास ग्रीन ड्रेस है ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? हमारे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है, लेकिन हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए हरा लिबास खरीद सकती थी ना यार। ग्रीन ड्रेस खरीदने से हो जाता क्या? इतनी रात गए, मैचिंग दुपट्टा, चूड़ी, अंगूठी हम कहाँ से लाते? आपको कैसे समझाएं औरतों के कितने मसले होते हैं। मान लिया तुम सही हो, लेकिन आज का ये दिन हमें जिंदगी भर कम से कम याद तो रहता ना। आपको ग्रीन ड्रेस चाहिए या फिर हम? अरे वो लिबास हमको नहीं चाहिए, हमको आप जो मिल गई हो, आई लव यू विनी। ये सच में मोहब्बत ही है ना, कहीं सिर्फ खिंचाव तो नहीं है ना? ये खिंचाव और झुकाव होने के लिए ही तो कॉलेज है ना। हमारा प्यार 9 उम्र का नहीं है, हमारी मोहब्बत में सच्चाई है। हमने तय कर लिया, अब तुम भी फैसला कर लो। हमने तो कल रात ही फैसला ले लिया था। क्या सच में? सुनिए, अभी हमारा फैसला बाकी है। अरे दोनों हमारे केबिन में आए। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनकी शादी हमें ही करवानी है। हमें कम से कम एक मर्तबा। हेलो प्रिंसिपल जी, बड़े लोगों से बात करने से कबल हमें विनीता से कुछ बातें साफ करनी होगी प्लीज। कोई जरूरत नहीं, आपकी बातें साफ करते करते इनका मन बदल जाएगा और तुम्हें सिर्फ मैं सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, उसके बाद इनकी किसी से भी बात करवा दीजिए। विनी जरा हमारे साथ चलेंगी प्लीज? प्रिंसिपल साहब, हमारी शादी कैंसिल। ये क्या कह रहे हो? क्यों यकीन नहीं हो रहा, उन्हीं से पूछ लीजिए। विनी शर्मा क्यों रही हो, सामने आओ। जी हाँ सर, हमारी शादी कैंसिल। आप लोगों की जुबान कुछ कह रही है और चेहरा कुछ और कह रहा है। विनी ऑल द बेस्ट, तुम जाओ ना। सुनिए जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। वो राजी हो गई। वाओ, रोमांटिक, सुपर्ब। और यहाँ पर लाइट ब्लू वॉलपेपर, और यहाँ पर लव सिंबल लटका दें, और यहाँ पर लाल गुलाब। पूरे कमरे में मोहब्बत की खुशबू महकनी चाहिए। खर्चा करना होगा, पूरा रख ले, लेकिन कमरा होना चाहिए झकास, एकदम झकास।
ये विन्नी, ये ऋषि, अरे ये हमें। ये सारी सजावट किसके लिए, कौन आ रहा है बताओगे भी? हमारे जज्बात, हमारी हकीकत, हमारी जिंदगी, सब आने वाली है। एक नई जिंदगी हमारा दरवाजा खटखटाने वाली है, उसी के लिए ये सजावट है। आप दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, पहले हमें वो बताएं। जनाब, इस आलम में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमारी तरह मोहब्बत के कदरदान होते हैं और दूसरे आपके जैसे जो मोहब्बत में सिफर होते हैं। बकवास बंद करें, माजरा क्या है वो बताएं। देखिए, माजरा क्या है इसी से साबित होता है आपकी मोहब्बत कितनी बेरंग थी। खैर सुनिए, कल जब आप बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे तो अंदर हम और विनी मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमें कितनी खुशी हो रही है तुम्हें पता है, हमारी शादी हो जाएगी तो इस खुशी को महसूस करने से पहले सब हवा हो जाएगा और हफ्ते भर में ही हम दोनों लड़ने लग जाएंगे। लड़ेंगे? पर किस लिए लड़ेंगे? फिर हम आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। देखा ना, शादी होने से पहले इतना कह रही हो और जब शादी हो जाएगी तब कितना सुनाओगी? तो फिर हमें क्या करना है? हमें हमारी मोहब्बत को महसूस करना चाहिए विनी। मोहब्बत किसी एड फिल्म की तरह नहीं होनी चाहिए, वो तो किसी सास बहू के सीरियल की तरह होनी चाहिए जो सालों साल चलती रहे। एक ही नारियल में दो स्ट्रॉ डालकर पानी पीना, एक ही फिल्म बार बार देखना और हाथों में हाथ लेकर समंदर किनारे। लेकिन यहाँ तो समंदर है ही नहीं। विनी, तुम लोकेशन की बजाय इमोशन पर गौर करो। इमोशंस, रातों में फोन पर बातें करना, सुबह सुबह पार्क में घूमना, उसकी वजह से तुम्हें कम नंबर मिलते हैं। कॉलेज के बोर्ड से लेकर बाथरूम की दीवार तक पर हम दोनों का जिक्र होना, रूमर, अफवाहें। ओ गॉड, सोच कर कितनी मसरत मिल रही है विनी। नहीं जी, हमें घबराहट हो रही है। क्या अब ये सब होने वाला है? ये सब नहीं होगा तो भी हमारी शादी जरूर होगी, लेकिन अगर ये सब होगा तो जिंदगी और हसीन होगी। क्या कहती हो? क्या कहें पता नहीं, लेकिन हम आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके लिए जो भी तकलीफें होंगी बर्दाश्त कर लेंगे। देख लिया ना, इश्क होता है, तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है वो कितनी उमड़ कर बाहर आ रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी शादी कैंसिल। जी बेहतर। बेचारी बेवकूफ लड़की, तुमने उसे पट्टी पढ़ाई और वो मान गई, तो नहीं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल से हमारे रूमर्स शुरू। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या बात हुई, मैं कह लूँ ना जाऊँ? बेहतर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो वक्त से पहले पहुंच गए आप लोग, लेट है, जाओ जल्दी जाओ क्लास में। अरे बाप रे, बहुत गुस्से में। यही हमें चाहिए था, हमें देखते ही आप अपनी सहेलियों से कटोगी और लोग हमारे मुतल्लिक अफवाह फैलाएंगी कि हमारी दरमियान कुछ चल रहा है, ये सब सोचकर ही हम खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। सच में? गुड गुड। अच्छा, आज ना हम क्लास में एनी डाउट्स कहेंगे, इससे पहले कि हम कुछ कहें, सॉरी सर, हमारी वजह से सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करते हैं, हम बेहतर कहेंगे और उसके बाद क्या होगा, फिर हम जाएंगे आगे आगे और तुम पीछे पीछे चली आना, उसके बाद तो चारों तरफ अफवाहें अफवाहें, गॉसिप से गॉसिप, सोच कर ही मजा आ रहा है। हमें घबराहट हो रही है। अरे वो तो हमें भी हो रही है, लेकिन हम आगे आगे चलते हैं, तुम पीछे पीछे चली आओ। हमने जो वादा किया है उसे निभाना हमारा फर्ज होता है। तारीख फिल्म नहीं है। I like that. Students, any doubt? आज क्लास में ना हम पूछेंगे कि any doubt? तो यस सर कहना। हाँ, आखिर में जो बैठे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच गई ना, any doubts? अरे हम आखिरी मर्तबा पूछ रहे हैं, एनी डाउट? जवाब नहीं सर आपका, आप सबक को फिल्मों से जोड़ने में माहिर हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इतनी मर्तबा पूछ रहे हैं तो डाउट हो रहा है। तारीख में कोई शुबा होता है क्या सर? जल्दी बताइए, हमें बहुत से काम है। चल यार कैंटीन चल। हाँ चल। अरे डाउट पूछने के लिए कहा था, पूछा क्यों नहीं, क्यों नहीं पूछा? दिल घबरा रहा था, पूरी क्लास खामोश थी, हमारे दिल की धड़कन तेज धड़क रही थी। धड़कन तेज धड़क रही थी ना, यही एहसास हमें भी तो हो रहा है विनी। मोहब्बत में जब ऐसा हो ना तो उसका लुत्फ उठाना चाहिए। सच में यह एहसास हमेशा नहीं रहेगा विनी, इसका लुत्फ उठाओ, लुत्फ उठाओ। अगर आप पुराना माने तो दिनों के बाद मुलाकात हुई। टिट्टू भाई ने पैसे भेजे क्या? बेटा ये सारी बातें घर चलकर करते हैं। क्या? अब तक उन्होंने पैसे नहीं भेजे? हट जाइए। हमारे पैर में गोली लगने के बावजूद उस हरामखोर ने हमें छोड़ दिया। किसी तरह गलियों में भटक भटक कर हमने पुलिस से छुपकर इलाज करवाया है। ये सभी बातें दुरुस्त है, पर अभी तबीयत कैसी है ये बताओ। जान पर खेल कर उसका कारोबार हम संभालते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पर, बताओ कि अब करना क्या है। वो कमबख्त माल हमसे बटोरते हैं, ऐश करते हैं, वो भी हमारे पैसों पे।
देखिए हम कह देते हैं अगर आपने उससे रिश्ता कायम रखने की कोशिश की तो हम आपको जान से मार देंगे। ऐसे मामले नहीं सुलझते हैं लिंगा, हमारी बात सुने। हमारी कॉलेज में दो तरह के तुलबा होते हैं, एक वो जो आगे की मेज पर बैठते हैं और दूसरे वो जो आखिर में बैठते हैं। तो बताओ आगे वाले बच्चे क्या करते हैं? कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लेकर पास होकर बेहरूनी मुल्क जाते हैं, जैसे कि हमारे वो किट्टू भाई। और दूसरी तरह के बच्चे मतलब आखिरी मेज पर बैठने वाले, वो लोग तो किसी काम के नहीं होते। उनका मकसद है दहशत फैलाकर लोगों से पैसे ऐंठना और अपना कारोबार चलाते हैं। अरे लिंगा, वो किट्टू जब जांगिया पहनता था तब से हम उसे जानते हैं। अरे किट्टू पॉकेट मारे क्या? वो कहते थे अरे धू जिंदगी भर बैंक रॉबरी करते हैं यार, इस लेवल का बंदा है वो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी तरह पीछे बैठने वाले और उनकी तरह आगे बैठने वालों में से हम नहीं है। हम उनकी कुर्सी खींचकर उनकी छाती में बैठने वाले इंसानों में से है। कुर्सी, वो कुर्सी हमें चाहिए। पता नहीं लोग क्यों अभी माशुका को पीछे बिठा कर घुमाते हैं, हम तो पीछे बैठकर ही निहायत खुश हैं। हाथ हटाइए, इस तरह से पकड़ना जरूरी है क्या? अगर नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे ना। पकड़ेंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। संभाल तो वैसे भी खुद को नहीं पाई हो। अब ये क्या लगता है, बारिश होने वाली है। आने दो, भीगने में भी एक लुत्फ होता है। अब और नहीं, बारिश में भीगेंगे तो सर्दी हो जाएगी, फिर बाद में तकलीफ होगी और अगर गले में खराश हो गई तो हम गा नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। प्लीज विनी, भीगते हैं ना प्लीज। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। आपकी भी अजीब अजीब ख्वाहिशात है, हम शायद आपके लायक ही नहीं है। आपकी जिंदगी में तो कोई स्पेशल वाली माशुका होनी चाहिए। अंजलि पापा की स्टूडेंट है। आओ 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 आ जाओ। बात तो हमें कहनी चाहिए, इस तरह से कोई गाड़ी दौड़ाता है? ये सड़क तुम्हारे बाप की जागीर है। अपना लाइसेंस दिखाओ, आरसी बुक दिखाओ, फौरन निकालो, चलो निकालो जल्दी। कोई हादसा पेश आया है क्या? पेश आ जाता तो, आ जाता तो, इतनी रफ्तार से कौन चलाता है? जनाब ये ना बेंज है, इसका लुत्फ उठाना हो तो रफ्तार से ही चलाना पड़ता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो तुम्हें लुत्फ आता है? तो क्या? रफ्तार में लुत्फ आता है ना, तो लुत्फ क्या होता है हम तुमको बताते हैं, अभी बताते हैं। Oh my God. आतून हो इसलिए महफूज हो, अगर शहर में दोबारा इस रफ्तार से गाड़ी चलाती दिखी ना तो गाड़ी में कोई शीशा साबित नहीं रहेगा। हेलो ऋषि, आपको फौरन दिल्ली पहुंचना है। क्या कहा? अगली जो भी फ्लाइट होगी उसी से आइए, इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। इतना फौरन क्यों बुलाया? हैदराबाद में हमारे मिशन को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। क्या है वो? ये देखें। आपको हैदराबाद भेजने का असली मकसद यही लड़की है, ये कॉलेज ज्वाइन करने वाली है पता चलते ही, पहले ही मैंने आपको वहां भेज दिया। अब से आपका टारगेट, आपका मिशन वैशाली है।
आपकी नौकरी और मुलाजमत सब वैशाली है। कौन है ये खातून? किट्टू भाई की बेटी है। इस लड़की की मदद से हम किट्टू भाई को गिरफ्तार करेंगे। आपको इस लड़की के करीब आना होगा। क्या करेंगे कैसे करेंगे आप देखिए। अब से आपका फोकस सिर्फ इसी लड़के पर होना चाहिए। कहाँ खो गए मिशन में? विद योर परमिशन, गम का फसाना सुना है? बिल्कुल सुना है। शौहर की मैयत पर बीवी रो रही है और बीवी का आशिक फोन पर हुक्म देता है और कुतुब मीनार में बुलाकर एक झटका दे देते हैं। आप तो आधी हो गए हैं। बकवास कम करें और वैशाली पर गौर करें। आप क्या चाहते हैं कहिए। आई गिव यू ऑल द सपोर्ट, एनीथिंग। कहिए, कहिए ना, कम ऑन, कहिए ना। कॉफी? व्हाट? जी बिल्कुल, हमें कॉफी की सख्त जरूरत है। ओके, लेट्स टेक अ कॉफी ब्रेक। वैशाली, ये लड़की दिल्ली आ रही है ये पता चलते ही एसीपी श्रीनिवास ने किट्टू भाई के रकीबों से हाथ मिलाकर अपनी जान को खतरे में डाला। वैशाली में किट्टू भाई की जान बसती है और हमें इसी बात का फायदा उठाकर किट्टू भाई तक पहुंचना है। किट्टू भाई तक पहुंचने का महज यही रास्ता नहीं है, लेकिन यही सबसे आसान रास्ता है। मिस्टर गुप्ता सर, आप ऋषि के साथ हैदराबाद रवाना हो जाएं और हमेशा उन्हीं के साथ रहें। क्या कहा ये? और हमारे साथ हैदराबाद में हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, हम बाइक चलाते हैं। हेलो, हम आपके ड्राइवर बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आपकी रहबरी के लिए आ रहे हैं। ओ, इन्हें कौन समझाएगा, ये हद से ज्यादा रहबरी करके और भी दिमाग खराब करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आप क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन किसी भी हाल में उन्हें छोड़ना नहीं, ये है। जी तो आखिर ये हमें समझती क्या है? क्या हम इसके बाप के गुलाम हैं? खामोश रहो, इस लड़की की अपने पिता से नहीं पटती और इसके पिता ने इसे सर चढ़ा के रखा। तो क्या हमारे सर भी नाचेगी? वैशाली, दिल्ली क्यों गई थी? हाँ, पता है हमारे साथ खेल खेला जा रहा है? आखिर यहाँ कमी किस चीज की है? हमारा दिल जहाँ करेगा हम वहीं जाएंगे, और वैसे भी हम बाकी लड़कियों की तरह। क्या बाकी लड़कियों की तरह? जिंदगी से ऊब गई हो क्या? बाकी लड़कियों की तरह रहेंगी? आइंदा ऐसा कहा तो फिर वहीं चले जाएंगे। जाएं, जाएं, जाएं। आपका जहाँ जी चाहे जाएं। ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई हमारी जान ले ले। अरे कोई और पहले क्यों मारेगा, हम ही आपकी जान ले लेते हैं। सुनिए वैशु, आप अंदर जाएं, अंदर जाएं, जाएं। कैसे नहीं मानेगी, भाग देती है। वैशु को हैदराबाद भेज, पर इससे हमारे लिए और मुसीबत होगी। वहाँ शंकर अन्ना है, उनका कॉलेज है, वो महफूज रहेंगी। वहाँ रहेंगी तो उनके कंट्रोल में रहेंगी। हमारे कंट्रोल में नहीं तो उनके क्या खाक रहेगी? हाँ, अभी भिजवाते बेटा, अभी भिजवाते। अरे खामोश रहो, जूस पिलाने के बाद मुंह भी साफ कर देना। लेक्चरर ने बिल्कुल सही किया, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बेटा उसके लिए ना सही, अपने पिता के लिए उस उस्ताद को काट डाले। बेटा कुछ समझे कि नहीं? ए वेंकट, उसे बुला कर लाए। बातों में वो माहिर है, उसकी बातों में मत आना, देखते ही गोली मार देना। ए, लिंगा आए हैं जाकर कह दे। लिंगा सर आए हैं कहेंगे, हम आज ही उसे खत्म कर देंगे भाई। ये शंकर अन्ना क्या है उसे बता देंगे। किसी ने वैशाली की तरफ नजर भी उठाकर देखा ना तो उसे। आप अपना रिकॉर्ड बंद करेंगे? हाँ? फिलहाल उसे छोड़ दे। क्यों भाई? इन छोटी छोटी बातों को लेकर वैशाली की तरफदारी न करें। देखिए, कत्ल करने का मसला खत्म हो जाना चाहिए, न कि खड़ा होना। हमारी बात तो सुने भाई। वैशाली सिर्फ हमारी दुख्तर नहीं, आपकी भी है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह रखना है उसे आपको। जी बेहतर बेहतर, अब जो होगा आपके मुताबिक होगा, बाय। हेलो, अरे लिंगा, उस्ताद को बख्श दे और वापस लौट आए। वापस क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? किस लिए? अरे किस लिए क्या, किट्टू भाई का कॉल आया था, उन्होंने मना किया है। किट्टू भाई, किट्टू भाई, हम उनके गुलाम है क्या? हमें किसी की तो जान लेनी है, कोई तो मारा जाएगा। कहिए किसे मारे, कहिए। घर पर आकर हमें ही खत्म कर देना, पर अभी वापस लौट आए। इसकी तो थू है ऐसी जिंदगी पर, जब देखो हमें धमकाता ही रहता है। भाई उन्हें ले आए हैं, वापस भेज दे। क्यों भाई? कहा ना भेज दे उन्हें, भेज दे। ऐसे ही वापस लौटने के लिए कहेंगे तो पागल समझेगा। कुछ भी समझा के भेज दे, जा। दो पचास का है क्या? इतनी सी बात के लिए आप यहाँ पर चले आए? अच्छा चिल्लर के लिए आएगा? कोई चिल्लर के लिए आएगा क्या, वक्त और जरूरत की बात है। अरे वेंकट सर,
ये सर लिंगा सर शंकर सर के साहबजादे चेयरमैन साहब के साहबजादे वेलकम सर। इससे पहले दो मरतबा आपके घर पे आए थे, आप नजर नहीं आए। अमेरिका में रहते हैं क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं। भाई इनसे मुलाकात करनी है क्या? अरे बेवकूफ गाड़ी पीछे ले। और छुट्टे के लिए ये लोग यहाँ तक आ गए। क्यों भाई बड़ी फुर्सत में लग रहे हो? आराम करिए, टेंशन मत लीजिए। आज से वैशाली की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। बेहतर, सीनियर आपके साथ है मंसूबा हम बनाएंगे और आप उसे फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे वैशाली से कुर्बत बढ़ाएंगे और आप दूर रहकर उसे देखेंगे। हम सिंगल हैंड इस मिशन को पूरा कर देंगे और आप मुंह ताकते रह जाएंगे। बेहतर, अरे हाँ बेहतर, कहाँ मिल रहा है? अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा, ये तो फोन पर जवाब दे रहा था। ओके ठीक है, हाँ हाँ कल ही कहा था ना। ए ऋषि, एक मिनट जरा लाइन मत काटना, क्या तकलीफ हो रही है आपको? हमने अब तक जो कुछ कहा वो सुना नहीं? ओफो, देखिए आप जो कहना चाहते हैं वो आपका महज एक ख्वाब है और अगर हम सुनेंगे तो लालच कहलाएगी। और इंसान में ना हमेशा चाहत होनी चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं। हाँ बोलिए। हम कह रहे थे कि आपकी बहुत याद आ रही है, क्या करें। पापा आ गए थे। आप अभी भी लैंडलाइन को इस्तेमाल करती हैं क्या? एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते विनय? पापा को वो पसंद नहीं है ना। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? विनय अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं, समझते क्यों नहीं? जल्दी से काम खत्म करो। सॉरी माँ आ गई थी। अब कहे? फिलहाल कुछ नहीं, सिर्फ काम होगा। कल तुम्हें एक मोबाइल देंगे जिस पर हम दोनों बातें। दिस इज योर वेजिटेबल्स। हेलो, Who is this new man? हमारे दोस्त गुप्ता कल ही दिल्ली से आए हैं। रिसेशन है ना, जॉब चली गई है तो यहाँ मुलाजमत ढूंढ रहे हैं। Oh, you mean software? ऐसा ही समझ ले। Yeah, yeah. What's your platform? Ready for any platform? Oh, all the best. I wish you a job and new life. Well, thank you. कौन है यार ये इतने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं? अल पचिनो नाम है, हमारे कॉलेज के अटेंडर है, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। अटेंडर? Yeah. इनकी अंग्रेजी तो आप सभी बहुत अच्छी है। आई लाइक यू मैन, आई लाइक यू। थैंक यू। आई लव यू। यू नॉटी बॉय। ओए अल पचिनो, या जरा होशियार रहना। व्हाई? ही इज वेरी नाइस गाय। अब आपको कैसे समझाएं? किसी भी तरह समझाएं। हाँ, जब हम ओम शांति ओम फिल्म देखने जाते हैं हाँ। तो आप दीपिका पादुकोण को देखते हैं हाँ। ना, ये शाहरुख खान को देखते हैं। अगर हम लोग गजनी फिल्म देखने जाएंगे हाँ। तो हम असीम को देखेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये आमिर खान को देखेगा। आजकल वो जो सारे हीरो बनाते हैं वो क्या है? सिक्स पैक्स। ये उन सब के लिए सिक्स पैक है। यू मीन This guy, cartridge? Ah. Oh, okay. We will meet later. Take care. Yeah, okay. Hey, where are you going? I will come. अरे सुनिए तो सही, सुनिए। अरे। हम हनीसा सानी धापा। हम हनीसा सानी धापा। अरे केशव सुर तो पकड़िए। ये खुद बेसुरा गाने हैं और हमसे सुर पकड़ने के लिए कह रहे हैं। सानी धापा। सानी धापा मगरे सा। चारू केशव। ये आप कैसी तोहिन कर रहे हैं? उस्ताद जी सर से सुर गा रहे हैं और आप माँ से सुर गा रहे हो। सत्यम चीज को मध्यम में गा रहे हो और साथ ही साथ गाकर उसको बिगाड़ भी रहे हो। अरे बाप रे, हमने इतना खराब गाया क्या? माफी चाहेंगे उस्ताद जी, हम बस यहाँ से गुजर ही रहे थे तो चारू केशव की आवाज सुनकर हम यहाँ पर आ गए। कोई बात नहीं, आप भी साधना के लिए बैठ जाइए। आइए बैठ। माफ करना, हमें कोई चाय नहीं पीनी है। जब हमें कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है तो आपको कौन पूछेगा? अरे ये कौन सा बड़ा मसला है बेटी, इनके लिए कॉफी ले आए। उस्तादी विनीता इशारे, आज इन्होंने मौन व्रत लिया। अरे अभी तक आप निकले नहीं, राहू काल शुरू होने वाला है। ये मौसी जी। मौसी जी कैसे? अरे मौसी जी कहने में क्या बुराई है? कितना कोई मिल गया है, रुक जाओ बेटा हम कॉफी जी। बेहतर मौसी जी, चलो बेटा कॉफी पीकर ही जाते, भूख लगी तो खाना भी खा लेंगे। मौसा जी, उस्ताद जी से मौसा जी पर आ गई, इनके इरादे हमें नेक नहीं लगते। चारू केशव, हमारा इस सध्यम मध्यम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है कि आपने सही गाया हो, लेकिन अफसोस कि उस्ताद जी की नजरों में आप कच्चे हैं और हम पक्के। अरे हमें अच्छी तरह पता है, हम सुर नहीं भूलते हैं। आपने ही गलत सुर में गाया था। गलत सुर के मायने क्या हुए? इसके मायने आप ही हैं। पहले कॉफी हो जाए, आ जाओ। आज आपका मौन व्रत है क्या? अरे बाप रे, ये कुर्बत कैसे? कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? ये कुर्बत ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी है, एक आशिक दूसरी माशूका। सिर्फ मिस कॉल दे देना, बाय। चारू नजर कहाँ है तुम्हारी? विनी की हरकतें अजीब लग रही हैं। बस वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है ठीक है।
और प्रिंसिपल साहब कारोबार कैसा चल रहा है? जी सर, पूछ रहे हैं कॉलेज का कारोबार कैसा चल रहा है? बेहतर चल रहा है जनाब। बहुत खूब। इस लड़की का नाम है वैशाली, उसने जिक्र किया था ना, हमारी बेटी के मानिंद है। हेलो वैशाली। हेलो सर। ए, किसी से सलाम दुआ नहीं करनी? अरे सारे टीचर्स तो यही मौजूद है। कैसे भाई लोग? आपकी मेहरबानी से ठीक है अम्मा, आप कैसी हैं अम्मा? अम्मा, हम तुम्हें अम्मा नजर आ रहे हैं, तुम हमारे साहबजादे हो क्या? अन्ना नहीं शंकर अन्ना कहें। पागल आदमी। आपके डॉक्टरनी साहिबा नहीं? अरे कैसी डॉक्टरनी? हाँ। चेहरा चेहरा तो देखे, लेडी शंकर अन्ना की तरह दिख रही है, उन्हीं की तरह बिल्कुल। अरे बेवकूफ हो, अपनी जबान को लगाम दो। उसके बाद तो जब हम वहां पर गए तो हमने देखा। अंकल अंकल, इस कॉलेज में वो रहेगा या हम? फैसला आपको करना है। आप रहेंगी, ये कॉलेज तो आपका ही है, अभी सबक सिखाते हैं। हे उस्ताद, आपका खेल खत्म, फौरन नीचे आ जाइए। हे तारीख के कीड़े, हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं, चलिए जाइए। हे प्रिंसिपल, कागजात लेकर आए, हम अंगूठा लगाते हैं। बिना वजूहत क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? वजूहत चाहिए आपको? हे प्रिंसिपल, आपको रहना है या उसके साथ ही रवाना होना है, फौरन सोच लें। हम कागजात तैयार करवाते हैं। सर हमें पता नहीं था कि ये। खामोश रहे, अब तक आपने जो कहा हमने सब सुना, पर अब नहीं सुनेंगे। चल मर्तबा समझाया है, हर बात में जल्दबाजी नहीं करते, अपने सीनियर से तुमने कुछ सीखा ही नहीं, किसी की बात ही नहीं सुनते। ऑल द बेस्ट यार। अब आप देखना हफ्ते भर के अंदर वैशाली को कैसे फंसाएंगे और एक माह में किट्टू भाई को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी आप दिल्ली जा रहे हैं ना, सर से कहना कि हमारी तरक्की के कागजात तैयार रखें। चलिए जाके आते हैं। फिर से लौट के आ रहे हो? माफ करना, चलते हैं। मुबारक हो, सफर मुबारक हो यार। शुक्रिया दोस्त। ए अल पचिनो, इस शहर का और हमारा साथ इतना ही था, आई विल मिस यू, बाय। अरे इनके लिए इतना परेशान मत हो। हे अल पचिनो, आज से बस हम और आप, आपका जो भी चार्ज होगा वो हम दे देंगे। अरे मेरे मालिक, उनकी फिक्र मत करना, हम तो है ना। वैशाली, हम सबको अलविदा कहने आए हैं, 5 मिनट में चले जाएंगे। व्हाटएवर, तुम जहाँ रहोगे वहाँ हम 5 सेकंड भी नहीं रहेंगे। एनीवेज, वैसे भी आज हमारा बकवास सुनने का दिल नहीं है। वैशाली वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए कहा तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और हम कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है, लेकिन आज के बाद हम आप लोगों को तारीख की खास तालीम नहीं दे पाएंगे। आपने हमारे साथ जो भी किया, फिर भी हमने आप लोगों को मार्क्स दिए, आपने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन हमने हमेशा आपसे उन्नसियत रखी। आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो और ऊंचे मुकाम पर जाएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। कल को अगर लकी IAS ऑफिसर बन गए और वेंकटेश एक IPS ऑफिसर बन गए और मुमकिन है हम सड़क पर नजर आ गए, तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं ये कहना कभी मत भूलना। हाँ लेक्चरर साहब, आप कैसे हैं? हम कैसे भूल सकते हैं सर, आपके बगैर क्लास में हमारा दिल कैसे लगेगा सर, आप हमें बहुत याद आएंगे सर। नहीं, ऐसे मायूस ना हो, आप लोग जैसे थे वैसे ही रहे, उल्टा हमें कॉलेज में दोबारा बुलाने के लिए आप लोग दंगा फसाद हड़ताल कॉलेज बंद कुछ मत करना। अब तो हड़ताल होके रहेगी सर। हाँ ऐसे जोश से काम ना ले लकी, आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे लिए शंकर अन्ना के घर का घेराव करेंगे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हम अभी शंकर अन्ना के घर मोर्चा लेकर जाएंगे। ए, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, लेट्स गो। हमारे बात सुनो, चलेंगे। अरे ऐसे ना करे, अरे नहीं सुनिए तो सही, अरे बच्चों क्या जा रहे हो? चले गए, आप कोई रोकेगा तब भी ये रुकेंगे। Don't test it, just trust it. Come on, he will show you how. Yeah, this guy, mera pakai, mera pakai. बिल्कुल सही, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज तो हम उस मास्टर की बैंड बजा देंगे। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, शंकर अन्ना हमारी बात जरूर सुनेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? हम भी इन्हें यही बता रहे हैं कि लड़ना इस बात का हल नहीं है। ये इतना बड़ा जुलूस आपकी मेहरबानी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने तो इनसे नहीं कहा ना। देखिए हम तो बैग लेकर जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा है, सबसे क्या करिए, हड़ताल फौरन खत्म करवाओ। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के फरमान को बिल्कुल। आप लोग इस तरह लड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी, अपनी क्लास में जाइए, बाद में देखते हैं।
चलिए चलिए, आप सभी अपने क्लास में जाइए। जब तक हमें कॉलेज में दोबारा नहीं ले लिया जाता, तब तक यहीं डेरा जमाए रखेंगे, ऐसा कहने करने की जरूरत नहीं है। इसकी बैटरी डाउन हो गई है। अरे वहाँ कॉलेज में दंगे शुरू हो गए हैं। उस तारीख के लेक्चरर को दोबारा लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ दंगा शुरू कर दिया है। ये मामला संगीन हो गया है, हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। आपके पिता किट्टू भाई ने मामला सुलझाने के लिए कहा है। सब आपके हाथ में है, जो ठीक लगे वो करो। बेहतर, उस रोज रास्ते पर उसने खुले आम हमें जलील किया था, आप उससे जाकर कहें कि सबके सामने हमसे माफी मांगे। इतना ही ना, ये उससे कहलवा देंगे। चलो सुनिए मास्टर जी, हमारी बच्ची से माफी मांगनी होगी, तभी कोई हल निकल पाएगा। गलती तो उन्हीं की थी, फिर हमारे सर माफी क्यों मांगेंगे? हमें मंजूर नहीं। हमारे एक मरतबा माफी मांगने से अगर आपका मुस्तकबिल पनपता है तो हम हजार मरतबा माफी मांगेंगे। वैशाली आई एम सॉरी, शंकर सर आई एम सॉरी, लिंगा सर आई एम सॉरी, वेंकट सर आई एम सॉरी। लगता है ये तो डर गया। हाँ चलो ठीक है ठीक है, सुनिए लेक्चरर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हाय वैशाली, दिस इज राम। राम वैशाली, मैं वैशाली, 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 हमारी वैशाली। तुम यहाँ, यहाँ कैसे आ गए? ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं यार, कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लिया। कॉलेज ज्वाइन कर लिया फिर से? बताएं। हाँ बताइए, हम भी तुमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अरे कहिए तो सही। कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। समय का कांटा यूं घूम गया। कुछ दोस्तों और अजीजों की मदद से ही ये मुमकिन हो पाया। अरे बाप रे, इतनी नौटंकी की आपने। अच्छा ये सब होने वाला है अगर आपको पता था तो बैग पैक करने की जरूरत क्या थी आपको? फील के लिए, ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने यकीन किया तो हमारा हौसला और भी बुलंद हो गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सुन रहे हैं ना आप लोग, जो वादा किया वो। आइए वैशाली। अरे चलो अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो पढ़ाई शुरू की है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए, अरे रुकिए तो सही, हमारी बात तो सुने। ये सब चल क्या रहा है? ये आपको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? बैठ जाए, बैठ जाए, एग्जाम है आज, इन्हें एग्जाम ही नहीं देने देंगे। बैठ जाए, अब चलिए। वैशाली, मधुबाला, स्मिता, Yes, who is class first? Vinita. No. Vaishali got full marks and she is class first. Vaishali. भाई तारीख में भी किसी को फुल मार्क्स मिलते हैं? हाँ तो क्या, जिसे तारीख पता होगी उसे मिलते हैं। तुम्हें कुछ पता हो तो तुम्हें मिलेंगे ना। वाह रे। हमने बस लकीरें खींची थी, कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ जानते हैं, लेकिन अगर तुम्हें फेल कर देते तो तुम हमें फिर से कॉलेज से निकलवा देती। बस डरा करें, सब हमसे बस डरते ही रहते हैं या फिर हमें डराते रहते हैं। आई हेट यू, आई हेट दोज स्टूडेंट्स, आई हेट द कॉलेज। हम ही ये कॉलेज छोड़ देंगे, फिर आप सब खुश रहना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्या कह रही हो तुम? वहाँ सारे काम बिगड़ जाएंगे। What? Actually, वैशाली, तुम हमसे बहुत नाराज हो, ये सही है ना? हम सही कह रहे हैं या नहीं ये बताओ। हेलो, ऐसी बातें किताबों में ज़िबा देती हैं, हकीकत जिंदगी में नहीं। बिल्कुल सही कहा वैशाली, लोगों को मोहब्बत से जीतना चाहिए ना कि नफरत से। मोहब्बत करें वैशाली, मोहब्बत करें, कॉलेज से प्यार करें, कैंपस से प्यार करें, नोटिस बोर्ड से प्यार करें, और तो और हमसे प्यार करें। जो भी तकलीफ है वो हमसे शेयर करें और हमें तुम अपना दोस्त मानो तो बहुत अच्छा होगा। आपकी हमारी लड़ाई हुई है ना, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? दोस्ती वैशाली, दोस्ती। अगर ये दोनों जहाँ भी तुम्हें फेंक देंगे तो हम तुम्हें कैच करने के लिए तैयार हैं। हे हे हे। उस्ताद और शागिर्द के मुतालिक एक अजीम शायर ने क्या कहा था पता है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी लाइक फिश एंड वाटर, बट इट शुड नॉट लाइक अ फिश एंड अ फिशरमैन। ग्रामर में गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज करें, और अगर मायने ही बदल जाए तो हमें माफ कर दें। ये कहीं तो सुने, इंसान कहीं भी हो उसे पुकारना चाहिए। सच कह रहे हैं, ज्यादा सोचो मत,
क्लास में चली जाओ। लेकिन वो लोग हमें, वो लोग बस चाहते हैं कि हम कॉलेज में रहें, और हम चाहते हैं कि तुम क्लास में जाओ। उन सबको हम मनाएंगे, चलो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सब लोग बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, चलो चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ अपनी सीट पे। ये कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला है? इस लड़की को अपने से दूर क्यों रख रहे हो? फ्रेंड्स, उस लड़की को दूर रखें, उसे नजरअंदाज करें। अगर वो क्लासरूम में आती है तो उठकर चले जाएं। अरे आखिर इसका कसूर क्या है जो आप लोग इससे नफरत कर रहे हैं? उसने सबके सामने हमसे मुआफी मंगवाई है, आज से आप सभी उससे नफरत करेंगे। इन्हें कितना अफसोस हो रहा है पता है आपको? अपने किए पर उसे शर्मिंदा होना चाहिए, उसकी गलती का एहसास होना चाहिए, उसके अंदर जो नफरत जहर भरा है वो सब खत्म होना चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज इन्हें अपनाइए, आज से सभी इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। अरे सर, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? 100% हमें ही नहीं, आप सभी को भी उसे समझना होगा। लेकिन उस रोज आपने जो कहा उसे भूल जाओ, हमने जो कहा उसने जो किया वो सब कुछ भूल जाओ। वो बात नहीं सर। तुम चुप रहोगे? That's all. बेहतर है, जाने देते हैं, जब उन्हें परवाह नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें। जनाब ऋषि इसके ऊपर आजमाएंगे, फिर वैशाली को इम्प्रेस करेंगे। सर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। रुको जरा। अरे बाप रे, एक मर्तबा हमारे एहसास को समझो। कैसा एहसास? हमारा एहसास। मना ना करें। ये आप क्या कह रहे हैं? शादी में सब कुछ नया सा लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आदत हो जाएगी। फील माय लव। किसे लव फील करवा रहे हो? पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बनने। सर आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। सर आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी इज्जत बचा ली। ये तो आपके साथ ही रहते हैं, क्या ये आपके साथ भी ऐसे ही पेश आते हैं? हमारे साथ ऐसे पेश आने की उनकी हिम्मत नहीं है। आप जाइए ना, हम देख लेंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, आई लव यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, फील माय लव, कहीं तो आपके पैर पकड़ लूं। व्हाट? यू जस्ट फील माय लव, फील माय लव, फील माय लव। नामुमकिन। ये कहां से टपक गया? हम कह रहे हैं इन्हें आपकी मोहब्बत का एहसास हो जाए, ये नामुमकिन है। क्यों क्यों नामुमकिन है? और ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? हम वैशु को बचपन से चाहते हैं, हम एक दूसरे से बचपन से ही मोहब्बत करते हैं। अरे वाह वाह, कमाल के ड्रामेबाज हैं आप लोग। इतनी जल्दी बचपन की मोहब्बत जा गई क्या? हम ये सब नहीं मानते, वैसे भी हम आपके सीनियर हैं। हम आपसे पहले पार्क में आए हैं। शंकर अन्ना को फोन करें, एक सेकंड में इन्हें ठीक कर देंगे। नो वैशाली, हमने कहा ना इंसान को मोहब्बत से जीता जा सकता है। ओके कूल। अब कैसे यकीन दिलाए, कैसे कैसे यकीन दिलाए तुमको? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? अरे चलिए, अब वो कभी आपका पीछा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी वैशाली। इट्स ओके। वैसे तुम्हें थोड़ा कम करना चाहिए। क्या? खूबसूरती, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अंधे की भी आंखें चमक उठेंगी। विनय, पिताजी का सम्मान होना है, याद है ना? बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुम तैयार हो ना? बस हम पहुंच ही रहे, समझ लो हम पहुंच ही गए, पहुंच गए। सर, दिल नहीं था फिर भी पब में आ गए, कंपनी देने के लिए भी कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं। इज्जत अफजाई के लिए जाएंगे तो खूबसूरत महफिल होगी, खुशनुमा माहौल होगा, और तो और सुकून भी बहुत होगा, और अगर पब में जाएंगे तो शबाब और शराब का माहौल होगा, शोर शराबा होगा, नकली धुआं होगा, गंदगी होगी, छी 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 छी। पब में ही चलते हैं।
Too funny. I've never seen you dance like that. Excuse me. Okay. कमाल है, इनका कॉल क्यों आ गया? इस कॉलर ट्यून के लिए स्टार दबाएं, उसके बाद नौ दबाएं, और अगर कॉलर ट्यून चाहिए तो महीने के पूरे होंगे ₹15। कॉल किया तो नगमा क्यों नहीं बजा? अब नहीं करेगा। हम आपका कॉल हमारे नुमाइंदा को मुंतकिल कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, लाइन पर बने रहिए। कस्टमर केयर, उसकी तरह उसका फोन भी टेढ़ा है। हाँ हाँ हाँ, क्या हवा है, क्या समा है। अगर ऐसे मौसम में बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो क्या लुत्फ आएगा। अरे रे रे रे, आपके पास तो कार है। हेलो, कार में एसी है ना? कार में बैठकर एसी का लुत्फ लेना और बात है, और बाइक पर बैठकर खुश होना और बात होती है। लुत्फ उठाना एक बात और खुश होना दूसरी बात है। बाय। ओके, चलिए देखते हैं बाइक से क्या खुशी हासिल होती है। दिल से आपकी इज्जत अफजाई की, हमारी तो आंखें भर आई। हाँ क्यों नहीं, आंसू तो आएंगे ही। ये पीतल का अवार्ड दिया है, कौन सा सोने का है? इन्हें टॉल की जगह शॉल दे दी। एक फनकार शोहरत पर मरते हैं, पैसों पर नहीं। अभी लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे थे ना, ये देखकर ही हमारा पेट भर गया। तो बेहतर है, कल से जब भी आपको भूख लगेगी तो हम ताली बजा दिया करेंगे। चलोगे या पिटोगे? जल्दी बैठ जाइए, मीटर ऑन है। तहजीब चैनल में हमारे एक अजीज हैं जो एक अच्छी रकम देने की बात कर रहे थे। हफ्ते में दो फिल्मी नगमों की तालीम देनी होगी। मौसीकी का फन खुशकिस्मती से हासिल होता है, सौदा नहीं करना चाहिए। इनके लिए इनका गाना ही नहीं, बातें भी पूजा समान है। देखो भाई साहब, कोई अच्छा सा बढ़िया वाला डीजे सॉन्ग लगाना। गा तो नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना। बाइक पर बैठकर हमें बहुत मजा आया। अब से आप हमें मिस नहीं करेंगे। क्या? मतलब जब भी आपको बाइक पर कहीं जाना हो तो आप हमें कॉल करना। शुक्रिया, गुड नाइट ऋषि। वैशाली। हाँ? पानी आ जाए। बाइक पार्क करके आते हैं। ठीक है। दिस इज माय रूम, कैसा है बताएं? जंगल में बिल्कुल चांद की तरह लग रहा है। यहाँ के आदमियों से आपकी पटती नहीं है क्या? वैसे हम इन्हीं लोगों के बीच में पले बढ़े हैं। यहाँ ये लोग हमें देखकर डरते हैं और घर में हमें खौफ होता है। वैसे शंकर अन्ना से आपका क्या रिश्ता है? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ नहीं है, जब हम छोटे थे तभी गुजर गई। शंकर अन्ना माँ के अजीज हैं। और आपके पिताजी कहाँ हैं और करते क्या हैं? प्लीज लीव दिस टॉपिक, हमें अपने पापा का जिक्र करना पसंद नहीं। जब आपका दिल करेगा तब गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? अरे बेटा बात तो सुनो। अरे लिंगा, अरे कितना समझाया क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? उस किट्टू भाई और हसन से हमने सुपारी ली हुई है, अगर उनका काम नहीं करेंगे तो क्या जवाब देंगे बताओ? नहीं करेंगे, आज से हम उस किट्टू का काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। अरे खबीज के बच्चे, अगर किट्टू भाई को ये बात नागवार गुजरी तो हम लोगों की खैर नहीं, बात को समझ। खामोश, आप हमारे पिता हैं और हम आपकी औलाद हैं। अगर आपके दिल में इतना ही खौफ है तो हम आपको आज ही जान से मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे आज आपको। उस दिन कहेंगे आज हम आपको खतरे में डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको। क्या हो रहा है ये सब? आप यहाँ कैसे? इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहे हो तुम? वो वैशाली की कार खराब हो गई थी तो हम उसे छोड़ने आए थे। अरे लिंगा सर, इतना जलाल, अपने पिताजी की जान ले लेंगे, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? लिंगा सर, और आप लोग क्या कर रहे थे? ये दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे तो इनकी जायदाद हड़पने की सोच रहे हो क्या, जो बाहर खामोश खड़े रहकर तमाशा सुन रहे थे? सुना आपने, बाहर वालों को हमारी कितनी फिक्र है, लेकिन आपको समझना चाहिए। आप खामोश हो जाइए शंकर सर, आप इनसे कुछ कहेंगे तो भी हम खामोश नहीं बैठेंगे, सब आपकी मर्जी से होना चाहिए क्या? अरे इनके हिस्से की चाल भी आप ही चल रहे हैं सर, आपसे किए गए वादे की वजह से कि कहीं आपकी जुबान खराब ना हो जाए, इस फिक्र में ये पिछले 30 सालों से आपका हर हुक्म मानते चले आ रहे हैं। यहाँ आकर इनको 3 महीने हुए, 30 साल की जानकारी कैसे है? इनका चेहरा देख के आपने समझने की कोशिश नहीं की? अफसोस है सर, अभी भी लिंगा सर की पिस्तौल आपके ही हाथ में है सर, ये गलत है ना? ये कहाँ का इंसाफ है? आपको पता है इन्होंने क्या गुल खिलाया? आपको बस रहने दीजिए, कहने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए सर। क्या हम बताते हैं? जिस तरह आप लोगों ने बताया, अगर हसन को छोड़कर उनके भाई से आप लोग डील कर ले तो
नहीं, अगर ऐसा किया ना तो किट्टू और हसन मिलकर हमारी बोटी बोटी कर डालेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में एसीपी श्रीनिवास को चुटकियों में उड़ा दिया। अब क्या चीज है, उस बच्चा को अच्छी तरह से पता होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाबाश शाबाश लिंगा सर, आपका अकेला बेटा 100 किट्टू भाइयों के मुकाबले है। इनके होते हुए आपको डटकर रहना चाहिए, ना तो डरकर। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर दे। हम चले क्या? जाने का वक्त हो गया है, ठीक है चलो। रात में भी आपकी क्लास होती है क्या? अगर हमें सुबह क्लास लेना है तो रात में तैयारी करनी पड़ती है ना वेंकट सर। हेलो सेठ किशनलाल। कौन? सलीम भाई। नहीं, हम आपके हमदर्द हैं। आपका भाई आपके खिलाफ जाकर शंकर राणा से हाथ मिलाकर किट्टू भाई को अप्रोच कर रहा है। आप उसे शंकर राणा के बेटे से मिलकर एक मोटी रकम उसे दे दें तो आपका काम हो जाएगा। थारो नाम? आपको जायदाद से मतलब है या हमारे नाम से? जायदाद से मतलब है। सॉरी, आप सो रहे थे क्या? ठीक है सर, तो वैसे भी क्लास में आते नहीं है, सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो जाने देना। आ, जाने आप कंटिन्यू कीजिए मोहतरमा। बॉयज गो विद दिस, बाद में मिलो फिर अच्छे से बताते हैं। क्या बात है विनी? उसके साथ गले में हाथ डालकर क्यों नाच रहे थे? वो लड़की वेस्टर्न में गा रही थी ना तो। ओ अच्छा, कल रात तो क्लासिकल कर रहे थे, आज वेस्टर्न पर छलांग लगा दी। वो माइकल जैक्सन का नगमा था। बस कीजिए, माइकल जैक्सन बहुत बड़े सितारे होंगे लेकिन हमारे त्यागराज उनसे सीनियर है, आपको समझ नहीं आता क्या? समझ में आ गया विनी, सच में समझ में आ गया, यही कि पहले तुम और बाद में वो। हमारे बाद भी वो किस लिए चाहिए, हमें आपसे बात नहीं करनी। विनय विनय विनय, ओ जलन, आई लाइक इट विनय। कॉलेज में डांस फिर फोन पर, सॉरी बेहतर है स्विच ऑफ कर देती हूँ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इन्होंने कितनी मर्तबा कॉल किया मुझे? वाइब्रेशन मोड पर डाल देती हूँ। विनीता, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आप खाना ला रही हैं या हम खाने के लिए बाहर चले जाएं? हाँ बस अभी लाई। आ गई। हाँ थोड़ा सा। बस। क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, खाते क्यों नहीं हो? खा तो रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन देख रहे हैं कि विनीता आज बहुत उछल कूद कर रही है। इतने बड़े हो गए लेकिन अक्कल नाम की चीज नहीं है। खाना खाओ। कुछ ना कुछ तो उन्होंने छुपाया है, पूरे कमरे की तलाशी लेंगे तो ही पता चलेगा। अभी देखते हैं। अरे बाप रे, अच्छा तो वो सेलफोन था, बिल कैसे भरती होगी? 20 मिस कॉल्स, 25 मैसेजेस, बेहतर है, उन्हें पसंद करते हैं। आई एम सॉरी, लव यू अ लॉट, जब आप नाराज होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पर? इसने तो पूरा कब्जा कर लिया है, ये यहाँ पर आते हैं यहीं रहते हैं। खैर जो भी हो, अब फंस तो गए। तुम कॉल रिसीव नहीं करोगी तो ये करना पड़ेगा। अरे यहाँ क्या कर रहे, किसी ने देख लिया तो? अरे छोड़ो, कौन देख सकता है, एक चारू केशव के सिवा। देख सकता है नहीं, देख रहे हैं। अगर देख भी लिया तब भी कुछ बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बताने से पहले उसे इस बात का जवाब देना होगा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। अरे मैं तो फंस गया, फिर भी हिम्मत करके बताएंगे। और अगर उसने बता भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन के लिए नाराजगी होगी और बाद में हमारी शादी हो जाएगी। तो फिर हम नहीं बताएंगे। हम ऐसे पकड़ेंगे तब भी नहीं बताएगा वो। नहीं बताएंगे। अगर हम ऐसे टच करेंगे ना तब भी नहीं बताएगा। नहीं बताएंगे। प्यार करेंगे तब भी नहीं। आप उसे शंकर राणा के बेटे से मिलकर एक मोटी रकम उसे दे दें, आपका काम हो जाएगा। जायदाद से मतलब है या हमारे नाम से? जायदाद से मतलब है। किट्टू भाई को पता चला तो मुश्किल हो जाएगा। कौन है ये किट्टू भाई, कौन है? हम किसी किट्टू भाई भाई से नहीं डरते हैं। किट्टू भाई नहीं डर। Friends,
तू है? तारिक के लेक्चरर को देखकर हौसला बुलंद हो गया ना। तूने एक पुलिस अफसर को मारा था ना, अब देखना एक पुलिस अफसर तुझे कैसे खत्म करता है। अरे कौन है तू? नाम ऋषि, इंस्पेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो न्यू दिल्ली। महकमे ने एक नाम तजवीज करके भेजा है मिसाइल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीता, क्या वजह क्यों नहीं दे रही? मौन व्रत है। ओहो, हाय हैंडसम, लुकिंग ग्रेट, शर्ट काफी सेक्सी है। ये डबल एक्शन किसी रोज बुरी तरह फंसाएगा। आज का मौजू है मुआफी, किन बादशाहों के लिए तारिक गवाह है कि उन्होंने मुआफी पर अमल किया था। कौन है वो? क्या हुआ है? कौन है जो अभी हंसा? अगर हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसे, पूरी क्लास में क्यों खलल पैदा कर रहे हैं? चल यार चले, आपका जवाब नहीं है सर। क्यों भाई, कहाँ चल दिया? कह दिया तो उठकर चले जाओगे? चलो बैठो बैठो अपनी जगह पे। क्लासरूम में मोबाइल बंद रखना है, कितनी मर्तबा समझाया आप लोगों को? अब तक क्यों बज रहा है फोन? आपका ही बज रहा है। अब जो समझाया उस पर गौर फरमाएं। गौर करें, चलो। कॉल किस लिए किया? हम बहुत ऊब रहे हैं सर, चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाएं? अभी कैसे? बंक कर लेते हैं। बंक? कॉलेज बंक करना हमारी बचपन की ख्वाहिश थी। स्टूडेंट तो बंक कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरर कैसे बंक करेंगे? अरे कुछ भी नहीं होगा सर, डोंट वरी। ठीक है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कुछ सोचते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। यस। हमें एक शुबा है। हमें तो इसी पर शुबा है। एक्चुअली खैर जाने दीजिए, आपके स्टाफ रूम में आएंगे तो समझा दीजिएगा। सिर्फ हमारे लिए पूरी क्लास में खलल पैदा करना ठीक नहीं। आज ना क्लास में हम एनी डाउट कहेंगे, ठीक है ना? इससे पहले कि हम कुछ कहें, सॉरी सर हमारी वजह से सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करते हैं, ऐसा तुम बोल देना। ओह माय गॉड, आपके मौन व्रत के चक्कर में हालत खराब हो गई है, जानती हो? उस लड़की को शुबा है तो आपको क्या परेशानी है? ओहो सर, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उस लड़की को कभी गौर से देखा है? कमाल है यहाँ, बिल्कुल हीरोइन लगती है। और खुद को देखा? गोभी का फूल दिखती हो फूल। हम लड़की हैं फिर भी हमारे दिल में अलग अलग ख्याल आते हैं, सोचो लड़कों की नजर पड़ती होगी तो क्या सोचते होंगे। आपने तो मौन व्रत रखा हुआ है और वो अटेंड करती रहती है, दोनों के दरमियान सरोते में रखी गई सुपारी जैसी हालत हो गई है। अब से चूल्हे में गया मौन व्रत कुछ नहीं होगा। ऋषि जी सुनिए, ऋषि जी ये हुई ना बात। विन्नी तुमने हमें ऋषि कहकर आवाज लगाई? धीरे धीरे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई विन्नी? अब से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आज आपको हमें छोड़ना होगा आपकी बाइक पर। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कौवा उठा कर ले गया, आपको इससे क्या? ओह रियली, आई लाइक दैट कौवा, एक्चुअली आई लव दैट कौवा। एक्सक्यूज मी ऋषि सर, आई एम वेटिंग इन द स्टाफ रूम। हमें थोड़ी कोई शुबा है, शुबा तो उन्हें है। तुम चलो ना आगे, हम उनका शुबा दूर करके आते हैं। ऋषि आपको पहले वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ नहीं। विनेता हमारी पैशन है, वैशाली हमारा प्रोफेशन है। पैशन और प्रोफेशन एक साथ नहीं चल सकते। जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अभी आए वैशाली। कमिंग वैशु। रिस्क आपको नहीं हमें है। वैशु, वैशु, वैशु। कमिंग ऋषि। अरे तुमने तो साफ रूम कहा था ना। अरे ओ, ओ, वैशु, वैशु, अरे कहाँ निकल जा रही हो? वैशु अरे रुको तो सही, बताओ कि कहाँ निकल जा रही हो? अरे लिंगा हमारा बच्चा, तुम्हारे लिए ही आज तक हम उस पागल किट्टू को झेलते आ रहे थे।
पर आज तुम ही नहीं रहे तो हमारे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। आने दो, आज उस वैशाली को हम बताते हैं कहाँ है वैशाली, कहाँ है वैशाली। वैशु, वैशु हम कहाँ जा रहे हैं? वैशु इतनी रफ्तार किस लिए? वैशु, वैशु हमें रफ्तार बहुत पसंद है। वैशु, वैशु प्लीज गाड़ी रोक दे। वैशु, वैशु प्लीज रोक दे गाड़ी। वैशु, वैशु प्लीज, वैशु, वैशु प्लीज स्टॉप द कार। वैशु, वैशु प्लीज स्टॉप द कार। वैशु हमारी बात माने, कार रोको प्लीज। वैशु क्या हुआ, घबरा गए थे? देखो अपनी आंखें बंद कर ले। वैशु बात डर की नहीं है। तो फिर हम पर यकीन नहीं है? तुम्हें हम पर यकीन है? हाँ। अगर यकीन है तो अपनी आंखें बंद कर लो। What? गाड़ी तुम चलाओगी, रास्ता हम बताएंगे। What are you saying, Rishi? करेंगे। हाँ? Yeah. More. Slow करो। Slow. रुक जाओ, अब अपनी आंखें खोलो वैशाली। माय गॉड ऋषि, दिस इज सो गुड। माय गॉड ऋषि, सुपर्ब। आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गॉश, दिस इज सो ब्यूटीफुल। Many many happy returns of the day, Vaishali. Thank you so much. लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम्हारे लिए हमें जिसने अपॉइंट किया, उस सीक्रेट एजेंट ने बताया। What? और नहीं तो क्या वैशाली? हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं ना, तो इतना तो पता ही होगा। ऋषि, अब केक काटो। असल में कॉलेज कैंपस में ही हमने इरादा कर लिया था, लेकिन प्लान बदल गया। हैदराबाद के लिए फौरन रवाना हूँ और शंकर और उसके आदमियों को खत्म करके वैशाली को ले आए, और लिंगा को किसने मारा पता करें। बिल्कुल ना घबराएं, दो दिन में सेहतयाब हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। वैशाली हम अभी आते हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर जरा बाहर आएंगे प्लीज। श्योर सर। भाईजान आराम से लेटी रही है। डैड का कहना नहीं माना, अंजाम देख लिया ना। बस करें, बहुत हुआ। अब तक हमने आपकी बातों पर अमल किया, अब बारी आपकी है। सुना आपने? शंकर अन्ना का एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। शंकर अन्ना जिस बिल में भी घुसा हो उसे बाहर निकालो, वो हमें हर हाल में चाहिए। लड़कियों को ही क्या, उन्होंने हमें भी इमोशनल किया। उनके लिए हमने धरने और स्ट्राइक किए, हमारा तो दिमाग खराब था यार। विनीता अब तो सुकून मिल गया होगा ना? हम ही बेवकूफ थे जो समझ नहीं पाए, सब हासिल कर लिया ना। आपकी मोहब्बत का किस्सा सबकी जुबान पर है, रूमर्स अफवाहें छिप छिप कर मिलना, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था, सिर्फ मोहब्बत बदल गई है। विनीता प्लीज इन सब पर ध्यान ना दे, हमारी बात सुने। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम हमें गलत समझ रही होगी। क्या गलत समझ रहे हैं? क्या गलत है? उस रोज़ उस लड़की का क्लास में डाउट पूछना,
हमें घर छोड़ोगे कहकर उसके साथ गाड़ी में आप चले गए, क्या ये सब झूठ है? बताइए ये कैसी मोहब्बत है? कोई नहीं चाहता कि उसके मुतालिक अफवाह उड़ाई जाए। चलो उन्होंने कहा भी, लेकिन तुमने कैसे मान लिया? हाँ खैर छोड़े, जो होना था सो हो गया, लेकिन ऐसे में हर किसी को शुमार मत करो। तुम खुद उनसे बात साफ कर लो, उनके दिल में क्या है ये जान ले। हेलो, किटू भाई का बेटा शहर में शंकर अन्ना के आदमियों को टारगेट कर रहा है, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, इन सब से दूर रहें। बेहतर। कहाँ हो तुम शंकर अन्ना? क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं बताएंगे? हम भी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अरे आखिर बात क्या है? ए, वैशाली, वैशाली का फोन। अभी हमारा बात करने का मूड नहीं था तुमने। हाय वैशाली, कैसी हो तुम? पहले से बेहतर है सर, बट आई एम सो सॉरी सर, कॉलेज में हर कोई आपके मुतालिक बहुत गलत बोल रहा है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, आई डोंट केयर। सो सॉरी, डोंट बी एंग्री सर प्लीज। अरे ये सब फिर से क्यों? ऋषि कहाँ चला गया? मतलब सर, सॉरी 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 सॉरी, आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? जरा बराबर भी बुरा नहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं, आई एम कूल। थैंक गॉड, आई एम सो रिलैक्स्ड। आपसे मिलने का दिल कर रहा है। 10 मिनट में वहाँ पर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? हमारे भाईजान आए हुए हैं। कोई बात नहीं, हमारे उनसे मुलाकात हो जाएगी, मिलवा देना उनसे। कोई जरूरत नहीं, हम ही आपसे मिल लेंगे। वैसे विश तो कर दिया, लेकिन हमारा तोहफा कहाँ है? सही है, तो तोहफा लेकर हाजिर होते हैं। चाहे तो फोन पर भी दे सकते हैं। फोन पर? वो कैसे? वैशाली। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं, हमें यही चाहिए था। बाय, सी यू। टाइमिंग यार, उन्होंने भी तो दिया होगा यार, दिया होगा ना, कहा था ना कि हमारी मदद के बगैर मिशन पूरा नहीं होगा। चूम लेना, फोन पर ही चूम लेना। कितनी मर्तबा कहा है कि हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें। आपने हम पर हाथ उठाया, हम पर हाथ उठाया, अपने सीनियर पर? आपका मसला क्या है? आखिर मसला क्या है वैशाली? जैसे आपके लिए है वैसे हमारे लिए भी। हम जो कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने हम पर हाथ उठाया। हम आपको बताएंगे, जरूर दिखाएंगे हम आपको। क्या दिखाएंगे हमें? हाँ क्या दिखाएंगे? दिखाए ना, अभी दिखाए, ऐसे वक्त क्यों नहीं दिखाते? आएगा वो वक्त भी, आएगा, हम बख्शेंगे नहीं। वैशाली कहाँ है? वो फ्रेंड से मुलाकात के लिए गई सर। हेलो, आपकी बहन को ऋषि नाम के इंस्पेक्टर ने फंसा लिया है। कौन बोल रहा है? अभी वो उसी से मिलने के लिए गई है। यह हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किट्टू भाई के बेटे हैं और वो आपकी बहन है। हम तुम पर यकीन क्यों करें? जरूरत आपकी है, लेकिन उससे फायदा हमारा होगा। माफ करना, फायदा आपका होगा। आई मीन आपको ही फैसला करना है। ऋषि के मुतालिक एक और खास बात हम आपको बताएंगे, फिलहाल अपनी बहन के मुतालिक सोचिए। हेलो 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 हेलो, स्टॉप। हेलो, हम आपके घर के करीब हैं। हमारे घर के करीब? कहाँ पर हो? नीचे आकर बाएं मुड़े। वैशु, तुम इस वक्त यहाँ? आपको देखना चाह रहे थे, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे। आपको पता है ऋषि, हमें यूं पैदा ही मनाए हुए एक अरसा हो गया था, और जब उस रोज आपने मुबारकबाद दी तो लगा कोई अपना है। सिर्फ यौम पैदाई का दिन नहीं, अगर आप हमारे साथ हर पल रहे तो हर लम्हा खुशी भरा हो। हमें आप चाहिए ऋषि। Yes, I need Rishi. I want Rishi. I love Rishi. कहिए ना ऋषि, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? Please Rishi, कहिए ना, क्या आप जिंदगी भर हमारा साथ देंगे? हर कदम पे तुम्हारा साथ देंगे। शुक्रिया ऋषि, हमारे लिए बस इतना ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वैशु, तुम्हारे पापा और भाई? Please ऋषि, उनका जिक्र भी ना करो। हम उनके मुतालिक कोई भी जिक्र नहीं करना चाहते हैं, बस। हमने कुछ गलत कहा क्या? Anything wrong, Rishi? कोई बात नहीं वैशु, हमें कोई एतराज नहीं। I have to go, Rishi. बेहतर। जल्द मुलाकात होगी। Bye. Rishi. हाँ वैशु। Bye.
यहाँ क्या कर रही हो? सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, अब तो आंखों से भी देख लिया। जो तुमने देखा वो महज एक धोखा है। आप तो मुझसे कुछ भी कहेंगे ना, हम ही बद दिमाग है। इतना कुछ देख लेने के बाद भी हम यहीं पर खड़े हैं। आपने हमें धोखा दिया है। अरे हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं, आई लव यू तो उसने कहा, हमने नहीं कहा, और चूमा भी उसने, हमने नहीं। हमें उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने मतलब उससे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, ये बात उसके रूबरू कह सकते हैं? रूबरू कहने से क्या हासिल होगा? हमने कहा ना हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, समझ गई ना? तो फिर हमसे शादी कर लीजिए, कल ही कीजिए। कल? लेकिन इतनी जल्दबाजी में? हमें बस हाँ या ना कहिए। आप सिर्फ हमारी सांस ही नहीं बल्कि हमारी रूह है। आपके बिना हम नहीं रह सकते ऋषि। प्लीज हमें और मत रुलाइए, प्लीज ऋषि। आई एम सॉरी विनय, तुम्हारी नजरों के सामने हमें कोई और लड़की चूमकर चली गई, इतना देखने के बावजूद भी तुम हमसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। हम वाकई खुशनसीब हैं। हम कल ही शादी कर लेंगे। ऋषि कौन है वैशाली? जवाब दे। पता चला उसी ने आपको हॉस्पिटल में दाखिल किया, डॉक्टर ने बताया। भाईजान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कैसे समझाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम ऋषि के बगैर एक पल नहीं जी सकते। ऋषि को छोड़कर हम आपके साथ नहीं आ सकते, प्लीज समझिए। हमारी लाडली बेटी विनीता ने पहली बार आकर कहा कि तुम ही उसकी शौहर हो, तो हम क्या कहें समझ नहीं आ रहा। आप दोनों की शादी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के कल ही शादी। माँ, इस बात का फैसला अब हो चुका है, कल ही हमारी शादी होगी। हमारी एक इल्तिजा है आपसे, शादी बिल्कुल सादगी से ही होगी। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वो सब हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो कल सोमवार को एकादशी है, सुबह 8 बजे शिवालय पहुंच जाना। रातों रात ये फैसला कैसे किया जा सकता है? शादी के लिए दीगर एहतमाम भी करने जरूरी है, कुंडली मिलानी है, नाम मिलाना है, मुहूर्त निकालना है, आपस में गुफ्तगू कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? हमें इतना भी हक नहीं कि हमसे कोई सलाह ली जाए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वक्त आता है तो वो कुछ कहकर नहीं आता, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। विनीता, इतने रोज हमारे साथ संगीत साधना में एक बार भी, एक घंटे के लिए, कम से कम एक मिनट के लिए आपको हमसे मोहब्बत नहीं? हमें आपसे दिल से पूछ रहे हैं, इसलिए जवाब भी दिल से दें। अरे ये भी कोई मजाक का वक्त है क्या? बहुत ही मजाक किया ये मस्करा कहीं का। चल हट बदमाश। तो चलिए चलते हैं। बाय विनी। बाय साहब, कल मंदिर में तशरीफ ले आना। हे वैशु। अरे ऋषि, भाईजान ये ऋषि है। हाय ऋषि। हाय। हेलो। हाथ बड़ा सख्त है, आप सच में उस्ताद ही है ना? दरअसल कलम चलाने वाले हाथ अमूमन नरम और मुलायम होते हैं ना, जो कि आपके हाथ नहीं है। आपसे मिलकर मसरत हूं। हमें भी। देखो ऋषि, हम वैशु को चाहते हैं और वैशु आपको चाहती है, इसलिए हमें आपको कबूल करना होगा। खैर ऋषि, हमने अब हुजूर से बात की है, वो आपसे मिलना और बात करना चाहते हैं, तो हमें कल निकलना होगा। कल ही? जी हाँ कल। कोई मसला है वैशु? प्लीज ऋषि, भैया ने बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया है, पापा का इरादा बदलने से पहले ही हमें पहुंचना होगा, प्लीज। चलेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे पापा के खातिर भी आएंगे। उन्हें और इंतजार करवाना हमें भी मंजूर नहीं। परेशान ना हो चाचा जान, हम कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद जी, उस्ताद जी, ये नंबर सही है ना? अरे हम भी वही लगा रहे हैं, आप जाएं। बेटी विनीता, दामाद जी हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो तुम्हारे नंबर से लगाया, लो उनसे बात कर। अरे वो कहाँ से आएंगे? वो ये शहर छोड़कर भाग गए। हमें पहले से इल्म था, रातों रात मुहूर्त निकालकर शादी करोगे तो यही अंजाम होगा। केशव, ये तुम कैसी बात? और नहीं तो क्या, हम आपको नजर नहीं आते ना, तारिक के लेक्चरर चाहिए। जाए यहाँ से, कला मंदिर में सेल लगाए, जाके शॉपिंग कीजिए।
मेरी बच्ची। आपने ऋषि को कबूल किया, उसके लिए शुक्रिया। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू, ये है ऋषि। वेलकम टू बैंकॉक ऋषि, आपसे मुलाकात का इंतजार था हमें। हम भी आपसे मिलने के लिए बेताब थे। क्या सच में? अच्छा देखो ऋषि, हमने वैशाली को मोहब्बत से नहीं दहशत से बड़ा किया है, इसलिए उसे आपसे मोहब्बत हो गई। इसकी गलती नहीं है, ये पीढ़ी ही ऐसी है। मोहब्बत घर में ना मिले तो बाहर तलाशते हैं। जैसे बच्चों को गली के कुत्ते मिल जाते हैं, वैसे आप मिल गए। मगर वैशाली नहीं जानती कि ये कोई पालतू कुत्ता नहीं है, बल्कि हमें गिरफ्तार करने के लिए आया हुआ पुलिस का कुत्ता है। क्या हुआ, रियलिटी शो देख लिया क्या बेवकूफ? ये आपके पीछे दुम हिलाता नहीं आया, बल्कि हमसे मिलने आया है। हेलीकॉप्टर से नीचे कदम रखते ही हीरो बन गए। मुखबिर आपके ही नहीं, हमारे भी हैं, आप ही के महकमे में। गुप्ता, आपका करीबी दोस्त, उसने ही ये खबर मुझ तक पहुंचाई। हम तो आपको वहीं खत्म कर देते, पर इस पागल से हम मजबूर थे, आने के लिए राजी नहीं थी। ए, ये आपको नहीं बल्कि हमें ले जाने के लिए आया है। कितनी बेवकूफ हो तुम, हाँ? मोहब्बत का बुखार हो गया है। आपको बीपी की शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, अगर है तो गोली कैप्सूल ले ले। दिल का दौरा पड़ चुका हो तो एम्बुलेंस मंगवा ले, क्योंकि हम जो आपको झटका देने जा रहे हैं उससे आप झटका खाकर गिर जाओगे। आपको यहाँ से जिंदा ले जाएंगे, ऐसा हमने अपने महकमे से वादा किया। क्या आपको पता है गुप्ता से फोन किसने करवाया था? हमने। वैशाली की मदद से आपसे मिलना चाहा, लेकिन उसकी मोहब्बत की आड़ में आपको गिरफ्तार करना नहीं है, इसलिए लिंगा को मारकर हमने अपने आदमियों से वैशाली पर हमला करवाया और इल्जाम शंकर पर डाल दिया। हमें लगा आप आओगे, लेकिन अफसोस ये जनाब आ गए। जब तक ये शंकर अन्ना से मिलकर आते, हमने उसे भी खत्म कर दिया। ए, आप लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली में हमारे लोगों से गलती हो गई, इसके लिए वैशाली आप तक पहुंच गई, और अब ये हमसे प्यार करती है, इसलिए हमें यहाँ लेकर आ गई। बात ये है कि गुप्ता आपका फैन है, लेकिन पैदाइशी वो हमारा मुर्शिद है। अरे गुप्ता, एक्टिंग में तो कोई तुम्हारा सानी नहीं है। क्या गादा, पुलिस का कुत्ता, आवाम में दहशत फैलाकर मौत का कारोबार चलाने वाले आप जैसों के पास अगर इतना दिमाग है, तो आवाम की हिफाजत के लिए ट्रेनिंग हासिल करने वाले हम जैसे पुलिस अफसरों के पास कितना दिमाग होगा? बेवकूफ, कहा था ना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कहर है हमारे लिए। सही कहा। आपको पता है आपके किस्से का आखिरी सफा क्या है? कि 5 मिनट में इंटरपोल पुलिस यहाँ पर आकर आपको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेगी, वो भी जिंदा। और उन्हें यहाँ कौन लेकर आ रहा है पता है? आपका हार्डकोर फैन गुप्ता। अब तो खुश? तुम 5 मिनट जी लोगे ये सोच रहे हो? क्या तीर मारने आए हो? क्या बिगाड़ लोगे हमारा? यहाँ हमारे लोग हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, भूलना मत इस बात को। इसे इंतहा तक तड़पाओ। क्यों इसने हमसे दुश्मनी मोल ली? ऐसी चीखें सुनाई देनी चाहिए हमें? मौत आसान ना हो इसकी। पर यकीन नहीं करते, अपने दम पर यकीन रखते हैं। आ जाओ। मार दो इसे। आ,
मैंने कहा उठ जाए। अदू इसे क्यों खत्म कर दिया? ए, ये हमें कांधा देता, हमारा वारिस था ये। क्यों, अब्बा का राज है जो शहंशाह अकबर का तक शहजादा सलीम ही संभालेगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। 18 साल तक हमने इसे कुत्ते की तरह पाला है और ये हमारे लिए कुत्ते की मौत का फरमान बन के आई है। खत्म कर दूंगा। अब तक तो हमने आपको जिंदा गिरफ्तार करने का फैसला किया था, लेकिन अगर वैशाली को एक खरोश भी आई ना तो पुलिस को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जाने दें वरना इसे खत्म कर दूंगा। छोड़ दो, हम कह रहे हैं इसे छोड़ दो। आपको इल्म नहीं है कि छुरा आपने अपनी गर्दन पर रखा है? छोड़ दो उसे, खत्म कर देंगे। चलिए जल्दी कीजिए, सभी ने घेर ले। कम ऑन, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। हॉस्पिटल ले जाने के इतनी जल्दी ना करें। ऐसा क्यों यार? क्योंकि जल्दी पहुंच गए तो गोली निकल जाएगी और अगर देर हुई तो पैर काटना पड़ेगा। लेकिन हमें ये जिंदा चाहिए ना। बस जान बचनी चाहिए, पैर नहीं। ए, 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 ले जाएं इस गद्दार को। सुना था फौरन पुलिस आ जाती है, लेकिन देर से आ गई। वैशाली, हमने तुमसे काफी झूठ कहा और काफी सारी बातें छुपाई, पर वो हमारा फर्ज था। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, तुमसे काफी बातें करनी है।